recording and let us quickly go on to the glycolysis, है ना? Glycolysis करते हैं फटाफट से. So मैंने जो last time करा था वो एक repeat कर देता हूँ. जो आपका lecture last time था वो already updated है. मैं send you the PDF link also, it is already there on YouTube. If you have already subscribed to the channel, आपको दी जाता होगा already कि upload हो गया है lecture. अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना, ठीक है? So that will get notification. सर एक बार लिंक भेज दो. हाँ लिंक मैं भेज देता हूँ, ठीक है? लेक्चर के बाद भेजता हूँ जी. कर अगर नहीं भेजा तो एक बार जस्ट याद दिला दूँ, ठीक है? ओके. सो ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद लास्ट टाइम स्टूडेंट्स. ग्लाइकोलिसिस में वी डिड फोर स्टेप्स, इफ यू रिमेम्बर. फोर स्टेप्स हमने कर रखे थे, है ना? आप सब ने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था. ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको बोला था करने के लिए, किया था ऑडियो रिकॉर्डिंग? सर किया. कितने देर में हो रहा है चारों स्टेप्स? 31 सेकंड्स. 31 सेकंड्स, क्या बात है, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? सर मैंने फोर्थ स्टेप में वो जो शॉर्ट फॉर्म आपने दिया था ना, DHAP और 3PAGL, मैंने वो यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फुल फॉर्म बोल दिया. हाँ फिर तो और फास्ट है, क्या बात है, वेरी गुड. आदि तू मुझे वीडियो भेजने वाला है फिजिक्स पे, देखो मैं याद दिला दे रहा हूँ खाली. यस यस, भूल गया रे इसके लिए, ठीक है? चलो. सो ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप वाज स्टूडेंट्स, वी कन्वर्टेड ग्लूकोज टू glucose 6 phosphate. Quickly tell me step name everyone. Kya step name tha? Phosphorylation. Very good. Phosphorylation was the step name, correct? Phosphorylation. Humne kisko bulaya phosphate dene ke liye? Kaun aaya? Humne ATP. ATP. Kya banke chala gaya? ADP. ADP. Very good. Enzyme ka surname? Kinase. ADP. Enzyme ka name? Fructose 6-phosphate. Very good. Glucose 6-phosphate converts into fructose 6-phosphate in step 2. Name of this step is? Isomerization. Very good. Isomerization. Therefore, enzyme ka surname kya hai? Isomerase. Very good. Enzyme surname will be isomerase. Next, enzyme ka naam kya aega? Phosphoglucose. है ना, फॉस्फोग्लूको. बस उतने पे छोड़ दूंगा. एक्चुअली जब मैं आपको पूछूंगा एंजाइम का नेम तो आप पूरा ही बताओगे, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, पर अपने ट्रिक के हिसाब से अपन खाली अभी फॉस्फोग्लूको बोल रहे हैं बिकॉज़ हमने ऑलरेडी सरनेम बोल दिया. ओके ठीक है, लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स. सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कुछ कंफ्यूजन? कीप ऑन आंसरिंग मी, ठीक है? आंसर्स देते रहो मुझे. ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स. स्टेप 3, डैश इज कन्वर्टेड टू डैश. दोनों चलेगा. इफ यू थिंक कि आप जब बोल रहे हो तो बाकी लोगों की भी आवाजें आ रही है, तो मेरी आवाज तो सुनाई नहीं देगा सर को वैसे भी, तो मैं क्यों बोलूं, जान दो मेहनत क्यों करूं. वैसा मत करो, मेहनत जरूर करो. आपकी आवाज आएगी तो बाकी लोगों की आवाज के साथ टकराएगी, मिक्स होगी, और अगर साथ में बोलोगे तो मुझे जरूर सुनाई देगा. And it is all about your confidence. Okay, students? Next, this conversion happens in presence of ATP. ATP. Which will move out as ADP. ADP. Shabash. ATP banke kya nikal jayega? ADP banke nikal jayega. Correct? Rishita, Rishika, can you hear me clearly now? Awaaz aa rahi hai clear? Okay, yes. Prashishti Oza. Okay, we are teaching neat obols. All right. Now we are covering biology. Biology mein it would be combined session. If in case anything which is related to just neat, I'll let you know. If it is there something, if something is there which is only for board students, I'll let you know. Okay, Prashishti? I'll stop and I'll inform at that point of time ki this, whatever I'm teaching right now is only for boards. Abhi jo main padha raha hu, it is applied to both neat as well as board students. Achha, this is your first lecture. Okay, no problem. So I'll be sharing the link of the previous lecture.
ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है प्रशिष्टि, वी आर डूइंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर वी आर डूइंग, एंड इस चैप्टर का दिस इज सेकेंड लेक्चर, ओके, दिस इज सेकेंड लेक्चर, ठीक है. वी आर डूइंग पाथवे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे की अपन पढ़ाई कर रहे हैं प्रशिष्टि. वी आर डूइंग ग्लाइकोलिसिस पाथवे विच यू मस्ट हैव डन इन क्लास 10 ऑल्सो. सो वॉट वी आर डूइंग इज इन क्लास 10 you have already been introduced to glycolysis, Krebs cycle, etc. In class 11, you will be going through every step of glycolysis. So we have already gone through the first four steps. Today we will be moving ahead into the last six steps of glycolysis. Okay, so this is the third step. All right, next, fourth step, what we did, students? In the fourth step, what we did? We took fructose 1,6 biphosphate or bisphosphate or diphosphate. Okay, fructose 1,6 bisphosphate. I'm sorry. Fructose. Okay, fructose 1,6 bisphosphate is converted into, it is converted into dash and dash. DHAPGAL. Very good. DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate, and 3PGAL. 3PGAL, phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde. Okay. Prashishti, you are already there in NEET group, correct? WhatsApp group mein tujhe add kiya hai, bio ke group mein. Please let me know. Yes, okay. Kandivali group, correct? Yes. Can anybody from Kandivali please post the first four steps in the group? WhatsApp group में कोई post कर पाएगा? अगर आपके पास अभी लिखा हुआ है तो steps एकदम correct pattern में जो लिखा हुआ है, please post it in the WhatsApp group so that she can go ahead with, she can just read once all four steps. So वो अपने साथ रहेगी, उसको कुछ नया नहीं लगना चाहिए. हाँ, बोल प्रिया. सर, ये जो आपने अभी पढ़ा है वो पूरा एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखना है ना, एकदम ऐसे फ्लो चार्ट में लिखना है ना? हाँ, देख, हमको इसको एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है लेटर ऑन, अभी नहीं, अभी फ्लो चार्ट पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखना है, आई टीच यू. मैं एक पैटर्न दूंगा, उसी पैटर्न में अपन लिखेंगे. जैसे लास्ट मैंने ब्लैंक 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 दिया था ना, बस वैसे ही लिखते जाना तुझे. और भी कुछ तरीके हैं, बट आई टीच यू लेटर ऑन. राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द फ्लो चार्ट ओनली, फ्लो चार्ट पैटर्न, दैट्स इट. तो सर, ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करो ना, अगर चैप्टर स्टार्ट करना है तो. हां, यस यस यस, ग्लाइकोलिसिस, दैट्स इट, ग्लाइकोलिसिस, थ्री पाथवेज एंड चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन. ठीक है, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ थ्योरी, दैट आई विल टीच. सो फर्स्ट चैप्टर, दीस फ्लो चार्ट्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. से 80-85% ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट ओनली. सो देयरफॉर आई हैव ब्रीफली स्टार्टेड विद द फ्लो चार्ट्स. सो वी विल डू थ्री पाथवेज, ठीक है, दीस थ्री पाथवेज एंड 85% ऑफ चैप्टर इज ऑलरेडी कवर्ड. देन आई विल गो टू द रिमेनिंग पार्ट, थियरी पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है. सो जब भी चैप्टर स्टार्ट करना है, सीधा ऐसे स्टार्ट कर देना है, ग्लाइकोलिसिस से बोलना शुरू कर देना है. थैंक यू सर. 30-31 सेकंड्स में बोल के उड़ा देना है, ठीक है आयुष, ऐसे सबको उड़ा देना है. ओके, वशिष्ठ प्लीज गो थ्रू द इमेज, जो इमेज भेजा गया ना ग्रुप पे, उसको एक बार देख ले. ग्रुप पे भेजा किसने भेजा? किसी ने भेजा नहीं अब तक ग्रुप पे. कांदिवली नीट ग्रुप पे प्लीज सेंड द इमेज स्टूडेंट्स. हाँ, ओके, बहुत सारे आ गए. एनीवन यू कैन रेफर. ये देख प्रशिष्टि, यू कैन रेफर दिस वन जो सोनल ने भेजा, उसमें थोड़ा तुझे डिफरेंशिएट कर पाएगी, ठीक है, कि विच इज द स्टेप नेम, व्हाट इज द एंजाइम नेम. ठीक है प्रशिष्टि, सो स्टेप वन, एज यू कैन सी, स्टेप वन, वेट, व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड दिस ऑन द स्क्रीन एंड देन मैं दिखा देता हूँ तुझे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, देन शी विल बी विद अस. ये देख प्रशिष्टि, सो इन द स्टेप वन व्हाट यू हैव इज, स्टेप वन व्हाट वी आर डूइंग इज राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. Okay, Prashishti. So in glycolysis, we very well know what we do in glycolysis. In glycolysis, glucose is broken down into pyruvic acid. Okay, glucose is broken down into pyruvic acid. For all those जिन्होंने last lecture नहीं attend किया, उनके लिए है.
ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, आई हैव टू ब्रेक ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म, दिस इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म एंड द पाथवे इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. व्हाट डू आई मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, आई एम ब्रेकिंग ग्लूकोज, सो द पाथवे का नाम आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है नेहा, साक्षी शाह, पलक, अभिजीत, कैमरा ऑन कर लो. ठीक है, इसका नाम आता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस. ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, चेक करो. इन एवरी स्टेप प्रशिष्टि एंड जिगर, ध्यान देना. ठीक है, एवरी स्टेप में यू विल हैव टू मेंशन एटलीस्ट फोर थिंग्स, तो मेंशन करने पड़ेंगे एटलीस्ट फोर थिंग्स. पहला चीज क्या होगा, रिएक्टेंट. ठीक है, सो रिएक्टेंट मेरा फर्स्ट स्टेप के लिए क्या है, ग्लूकोज इज माई रिएक्टेंट. वॉट इज द प्रोडक्ट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कहां से मिला, श्योरली आई एम एडिंग फॉस्फेट इन द ग्लूकोज, आई एम एडिंग फॉस्फेट इन द ग्लूकोज एंड दैट टू कौन से कार्बन पे, ग्लूकोज के 6th कार्बन पे. आई एम अटैचिंग फॉस्फेट ऑन द 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज, 6th पोजिशन पे. देयरफॉर वी राइट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड हु इज गिविंग मी दिस फॉस्फेट ग्रुप, इट इज गिवन टू मी बाय एटीपी. सो एटीपी आएगा, एक फॉस्फेट देकर क्या बन के चला जाएगा, एडीपी. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इज दैट क्लियर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. नाउ बिकॉज फॉस्फेट इज बीइंग एडेड, देयरफॉर स्टेप नेम इज फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, स्टेप नेम विल बी फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन. बोलते रहो मेरे साथ. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट एंजाइम, सर एडीपी व्हेन कन्वर्ट्स इनटू एटीपी वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको ही फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं. वो लॉस हो रहा है, एटीपी में से एक फॉस्फेट लॉस हो गया और वो फॉस्फेट कहां आ गया, ग्लूकोज के पास. समझ में आया? सो एंटायर थिंग इज हैपनिंग इन द सेम रिएक्शन, सेम स्टेप में ये सारी चीजें हो रही है. So this enzyme is, enzyme which will catalyze this step is glucokinase, also known as hexokinase. Why hexo? Because glucose belongs to hexose sugar. Glucose contains 6 carbons. तो वो hexo sugar भी उसको अपन बोलते हैं. Clear बात? Okay. Persisti, is that clear? Jigar clear? Okay. Shabash. Sir. Yeah, keep on confirming me फटाफट से so that I can move ahead because I guess तुम दोनों का ही miss हुआ था. और किसी का miss हुआ था ये? Raise your hand students. Let me see. अगर आपका miss हुआ था तो sir. हाँ जिगर बोल बोल. Sir अब तक का मतलब जब से ये चालू हुआ है biology का कोई notes भेज सकते हैं क्योंकि मैं group पे add नहीं हुआ था. हाँ कोई problem नहीं है. मैं दोनों जो अब तक एक ही chapter खत्म हुआ अपना, वो chapter and ये chapter मैंने start किया. इन दोनों के links तुझे भेज दूंगा और नोट्स का जरूरत नहीं है, वो पीपीटी ऑलरेडी है तो मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा. मैंने खुद ने पीपीटी बनाया तो तू वो पीपीटी से नोट्स बना सकता है इजीली. ठीक है, ओके. सो आई विल सेंड इट इन बोथ कांदली एज वेल एज अंधेरी ग्रुप. सो प्रशिष्टि, अभिजीत, जिगर, एवरीवन विल गेट इट. ठीक है, चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स. सो दिस वॉज फर्स्ट स्टेप. सिमिलरली एवरी स्टेप के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. सो इफ आई गो फॉर माई सेकेंड स्टेप, फॉर माई सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप विल बिकम रिएक्टेंट. सो ये अब रिएक्टेंट हो गया मेरा, जो पहले स्टेप में मुझे प्रोडक्ट मिला था. नाउ दिस विल एक्ट एज माय रिएक्टेंट, करेक्ट? सो आई वांट टू कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इन सेकंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. चेक करो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड वी नो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स. ठीक है, आइसोमर्स क्या है केमिस्ट्री में आप और डिटेल में समझ जाओगे. सो दिस स्टेप इज नोन एज isomerization. This step is known as isomerization. And हमेशा step के नाम से enzyme का name आता है. So if step name is isomerization, then enzyme name would be isomerase. Check करो यहाँ पे screen पे students, you can see very clearly. Over here you see isomerization. ठीक है, देखो यहाँ पे you can see isomerization over here. Okay. And therefore enzyme के last में you will write isomerase. Okay, isomerase. नाम कहां से आ रहा है? Raw material से. ये देखो, phosphogluco कहां से आया? Let us try to understand this.
ये देखो स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर जिगर एंड प्रशिष्टि एंड अभिजीत, ठीक है. सो बिकॉज माई रिएक्टेंट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आई टेक हाफ हाफ नेम में यूज करूंगा, दैट इज हाउ आई रिमेम्बर. सो फॉस्फेट का आधा क्या हुआ? फॉस्फो. ग्लूकोज का आधा मैंने क्या लिया? ग्लूको. ठीक है, रिवर्स जा रहा हूं, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज. क्लियर? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज. नेक्स्ट स्टेप थ्री में मैंने क्या किया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बोल सकता हूं, या डाई फॉस्फेट भी आई कैन से. ओके, सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट. अगेन वन मोर फॉस्फेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ? 6 पे तो ऑलरेडी था, 1 पे भी आ गया. सो अगेन द स्टेप नेम वुड बी फॉस्फोराइलेशन. एंड इफ आई नीड फॉस्फेट, आई नो वेरी वेल ATP will come into picture. है ना? So ATP आ गया. ATP has donated me 1 phosphate. So it becomes ADP, which will leave the reaction. And that 1 phosphate comes in and gets attached at the position 1. Bushra, please mute your audio. So we can't hear you. Sir, you are mute. Now you can hear me? Yes, sir. You can hear you. Okay. So fructose 1,6 phosphate converts into fructose 1,6 diphosphate. Step name is phosphorylation. Now, dekho, jaise hi ATP involved hota hai aapke step mein. As soon as ATP gets involved, you have to write enzyme ka surname, enzyme ka jo second half hai, enzyme ka jo naam ka second half hai, that will become kinase. ठीक है? हमेशा याद रखो. When ATP is involved, you will get kinase over here. And name कैसे आता है? Half half. तो phospho फ्रक्टो, ये देखो यहाँ पे आ गया, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, रिविजन करोगे तो आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमने क्या किया था? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विल ब्रेक. फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विल ब्रेक, जिसको हमने बोला था इट विल क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा. सो स्टेप नेम इज क्लीवेज. आई विल क्लीव fructose 1,6 bisphosphate or fructose 1,6 diphosphate into DHAP and 3-PGAL. Check karo. DHAP and 3-PGAL. Okay, DHAP ka full form dihydroxyacetone phosphate and 3-PGAL is for phosphoglyceraldehyde. Okay, yahan pe space rakha hai Sonal ne beech mein, but that space is not needed. Ye space aap nikal sakte ho, theek hai? So glyceraldehyde is a single term. All right, 3-PGAL. What is this 3 for? 3 किसके लिए है? 3 is for third position पे this phospho group is there. So 3 is indicating the position of the phosphate. Okay, 3-phosphoglyceraldehyde. It is not 3 times. ऐसा नहीं है कि I have 3 molecules of PGAL. That is wrong concept. 3-PGAL means phospho is present on the third carbon of glyceraldehyde. So the name is 3-phosphoglyceraldehyde. All right, चलो अब यहां तक किसी को कुछ डाउट था, सो यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. व्हाट इज BHM? BHM कहां पे मिला आयुष? BHM कहां देखा? इज अ जनरल नॉलेज. BHM नहीं समझा मुझे. ओके, चलो आगे चलते हैं. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. So, four steps are done. Glycolysis, as I said, there are total five steps. So, ये मैं अब हटा रहा हूँ. ठीक है, I'll again go back to the white screen. I'll keep it horizontal so that maximum content यहाँ पे cover हो जाए अपना. Vertical ही रख रहा हूँ मैं, horizontal नहीं कर रहा हूँ इसको. ठीक है, screen को. So, right now, we have these two products with us, right? मैं directly products लिख रहा हूँ fourth step का. So, I'll be proceeding from there. ये है मेरा DHAP. है ना, अभी अभी मुझे ये मिला. एंड ऑल्सो आई हैव विथ मी 3-PGAL. ओके, इफ यू कांट हियर मी क्लियरली, आई थिंक यू विल हैव टू चेक योर नेटवर्क. यू कैन लॉग आउट एंड अगेन लॉग इन. आई हैव केप्ट द वेटिंग रूम ओपन. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अदर्स कैन हियर मी क्लियरली? यस सर. यस सर. इफ इन केस आपको नेटवर्क इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ रेन, तो आप वापस लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए.
ठीक है मानसी, मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग के जाऊंगा, अपन थोड़ा टाइम लेंगे इसको एक्सप्लेन करने में, दिस इज स्लाइटली क्रिटिकल स्टेप, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 3PGAL, ओके 3PGAL तो है अपने पास, सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ, है ना, ये ऊपर का मैं नहीं लिख रहा हूँ, सो इट इज अंडरस्टूड कि ये अपन कहाँ से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं फोर स्टेप्स, सो एट द एंड ऑफ फोर स्टेप्स आई हैव दीज टू एज माई प्रोडक्ट्स, राइट है, सो व्हाट आई विल डू इन द फिफ्थ स्टेप, पांचवें स्टेप पे क्या होगा, प्लीज फोकस ओवर हियर, आई विल टेक दिस एज इट इज, 3PGAL तो मेरे पास है ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल, DHAP will undergo isomerization, जैसे glucose 6 phosphate undergoes isomerization to form fructose 6 phosphate, similarly DHAP will undergo isomerization to form 3PGAL. समझा? DHAP will undergo isomerization to form 3PGAL. एक 3PGAL मेरे पास ऑलरेडी है, DHAP को भी मैं 3PGAL बना दूंगा, सो कितना 3PGAL हो गया मेरे पास, कितना 3PGAL हो गया मेरे पास, 2, कितना 3PGAL, 3 इज नॉट मॉलिक्यूल, 3 इज एड्रेस, रेबेका 3 इज एड्रेस, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये वाला देखते हैं, रुक जा इसको भूल जा, ठीक है, इफ आई से आई एम गोइंग टू undergo isomerization, DHAP बोलता है I am going to undergo isomerization, okay, isomerization ये undergo करेगा to form 3PGAL, ये समझा, कुछ बात समझ में आई, again try to understand what is 3 is the address of this phosphate group, करेक्ट है, सो DHAP भी क्या बन गया, 3PGAL बन गया, इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, आइसोमराइजेशन हो रहा है, सो टेल मी द सरनेम ऑफ एंजाइम स्टूडेंट्स, एंजाइम का सरनेम बताओ क्या होगा, आइसोमरेज, वेरी गुड, सो सरनेम इज आइसोमरेज, चलो आइसोमरेज पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, प्रशिष्टि एंड जिगर समझ में आया, ये स्टेप नेम से एंजाइम का हमने सरनेम निकाला, ठीक है, सो बिकॉज स्टेप नेम इज आइसोमराइजेशन, so enzyme will be isomerase, understood, hydrase, clear? Oh, sir, I have a doubt. Yes, Priyanka. Sir, then this 3PGAL is different and the 3PGAL that we got from fructose 1,6 bisphosphate. Understood. I'll come to this out. Chemically, both of them are same. Now, advantage is Priyanka. Now, first let me complete the enzyme name. Complete कर लेता हूँ पहले, ठीक है? So enzyme का name क्या आएगा students? DHAP का full form क्या था? Dihydroxyacetone phosphate. So I'll start with phospho. Do you all agree with me? I'll start with phospho. ये clear है सबको? I'll start with phospho. Dihydroxyacetone phosphate. रिवर्स में जाना है, हाफ हाफ नाम लेना है, डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फास्फेट पहले मैं पिक करूंगा, फास्फो, देन आई विल गो टू डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन, एसिटोन तो 3 कार्बन कंटेनिंग है, एसिटोन तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, 3 कार्बन, ये आपको नहीं पता है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यस माही सेज इट इज ट्रायोस शुगर, वेल डन, इट इज ट्रायोस, ट्रायोस शुगर होता है स्टूडेंट्स, DHAP has 3 carbons, okay students? So ऐसे sugar जिनमें 3 carbons होते हैं, we call them as triose sugar. जैसे glucose has 6 carbons, so we call glucose as hexose sugar. Similarly, DHAP has 3 carbons. DHAP has 3 carbons, so we call it triose. क्या बोलेंगे अपन उसको? Triose sugar. इतना क्लियर है, सो नाउ लुक एट द नेम स्टूडेंट्स, नेम चेक करो, फॉस्फो ट्रायोस आइसोमरेज, फॉस्फो ट्रायोस आइसोमरेज, समझ में आया नाम कहां से आया, आइसोमरेज तो समझ गया, डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट से आया फॉस्फो, फॉस्फो मैंने वहां से पिक कर लिया,
एंड ट्रायोज मैंने क्यों दिया, बिकॉज डीएचएपी इज अ ट्रायोज शुगर. यहाँ पे सारे लॉजिक अप्लाई नहीं हुए, मतलब मैं पूरा रिवर्स जाऊं, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, तो आप बोलो सर फॉस्फो एसिटो हाइड्रो डाई ये आपने क्यों नहीं लिया, तो वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज सिंपली फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज. क्लियर बात, एवरीवन क्लियर विद दिस, एवरीवन क्लियर विद दिस. नाउ प्रियंका के डाउट पे मैं आ रहा हूँ. प्रियंका ने मुझे क्या पूछा, शी हैज आस्क्ड मी कि इज दिस 3PGAL, आई एम डिलीटिंग दिस स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, आई एम डिलीटिंग दिस नाउ, ट्रायोज शुगर वाला कंसेप्ट में डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, अपन स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा. ओके, नाउ प्रियंका ने पूछा कि ये जो आपको 3PGAL मिला सर, ये अलग है क्या ये वाले 3PGAL से? सो आई विल से केमिकली दे आर आइडेंटिकल. प्रियंका, केमिकली दे आर आइडेंटिकल. सो ये भी एक, दिस इज वन चॉकलेट डेरी मिल्क एंड आई हैव डेरी मिल्क ओवर हियर. सो हाउ मेनी डेरी मिल्क डू आई हैव टोटल? टू, सेज प्रिया, वेल डन. एंड फोर रेबेका ने बोला था इसके पहले, बट नाउ आई होप शी ऑल्सो अग्रीज कि दिस इज टू. है ना, समझ में आया आप? सो 3PGAL अपने पास टू है, 3PGAL अपने पास टू मॉलिक्यूल्स. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दृष्टिका क्लियर? यस सर. यस सर. गुड गुड, पूजा को भी क्लियर, शाबाश. ओके, देवांशी, पलक, अर्पिता, अभी कैमरा ऑफ है. हाँ दृष्टि, दृष्टि यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा. दृष्टि इज हैविंग लंच, सो शी विल टर्न ऑफ अ कैमरा सो दैट बाकी लोगों को लालच ना आए, सबका ध्यान यही पे रहे. हाँ बोल बोल सर. यस, इट मींस दैट DHAP will convert into 3PGAL. Correct. By isomerization. दोनों cousin भाई हैं. जैसे glucose convert हो गया fructose, ऐसे DHAP भी convert हो गया 3PGAL. बस. समझ में आया? Yes, sir. Simple है. अब मैं इस पूरे step को वापस से लिख रहा हूँ. See if you are understanding this. Sir, तो ये वाला क्या होगा? बस उसके लिए मैं अभी एक अलग तरीके से इसको लिख रहा हूँ, सो तुझे समझ में आएगा कि क्या होने वाला. ठीक है, ओके, चलो चलो. आई एम राइटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट पैटर्न स्टूडेंट्स, सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं. ओके, देखते हैं इसे कैसे जाता है. ठीक है, सो सबसे पहले आई विल ड्रॉ दिस. ओके, DHAP को आई एम कन्वर्टिंग इन टू 3PGAL. So step name is, all of you know this student, step name क्या है बताओ मुझे? Isomerization. Very good. Isomerization. Isomerization. Always मैं step name को मेरा याद रहता है कि मैं इसको box में डालता हूँ ताकि कोई मेरा paper check करता रहे तो उसको समझ जाए step name box में ढूंढना है. Because 10 step है ना, total 10 steps आ जाए. 10 steps है. So अगर प्रशिष्टि का paper कोई check कर रहा है तो उसको सिक्स स्टेप का नाम जानना है कि प्रशिष्टि ने सिक्स स्टेप का नाम करेक्ट दिया है क्या, तो सीधा बॉक्स पे जाएगा. सिक्स स्टेप पे बॉक्स का ये रहा बॉक्स, तो ये रहा स्टेप नेम, बात खत्म. यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेपर चेक करता है उसको जितना ज्यादा आसान दे दें, पेपर पे स्पून फिटिंग दे दें, उतना ज्यादा अच्छा है. अगर आपने उससे मेहनत करवाई तो मेहनत तो नहीं करेगी. टीचर्स लोग को मेहनत करना नहीं आता, मेहनत करना स्टूडेंट्स लोगों का काम है. टीचर्स लोगों का काम है जज कर देना खाली, ये क्या बेकार लिखा है, रॉन्ग वैसा. So you have to make sure कि चलो, okay, you have to make sure कि आप एकदम simplified तरीके से लिखो, एकदम simplified, okay? Either you use different color, आपके notes में तो आप अलग अलग color use कर लोगे, but paper में you cannot do that. So therefore, if you have habit of writing it inside the box, pencil से box करो या pen से ही box करो, आपका काम आधा हो गया. ठीक है, next enzyme का name मैं डाल रहा हूँ, students please focus over the name, isomerase. Isomerase, ठीक है, सेम चीज लिख रहा हूँ वापस से. Isomerase एंड आगे क्या लिखूंगा? Phospho. Very good. Tryos. शाबाश शाबाश शाबाश, well done well done. Phospho, I don't have space over here. Space यानी तो थोड़ा सा ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है. Phospho, tryos, isomerase. Very good नेहा, शाबाश. Phospho, tryos, isomerase. Phosphotriose isomerase. This is the enzyme. Okay, so आप क्या मिल जाएगा मुझे, product क्या मिलेगा students? Product मुझे मिलेगा 3PGAL. Now ध्यान देना, please ध्यान देना अभी, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, ये देखो students,
ये जो एरो है मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस इंडिकेट्स इट इज आइसोमराइज्ड. आपस में इंटर कन्वर्जन होते रहता है, आपस में इंटर कन्वर्जन चालू है. मतलब पीजीएल कैन गो बैक टू डीएचएपी, रिवर्सिबल स्टेप, एंड डीएचएपी कम बैक टू पीजीएल. ये इंटर कन्वर्जन ग्लूकोज फ्रक्टोज. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको निकाल भी सकते हैं. ये देखो इतने आसानी से निकल भी है. ठीक है, सो ये एक तो अपन ने कन्वर्ट किया, अभी बनाया हम. दूसरा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो ये कैरो लेकर आओ यहां पे दिखा दो. अब बताना इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप. यस सर. यस सर. यस सर. वेरी गुड. Dear students, so I have written twice. This indicates now ki we have two molecules of 3-PGL. One molecule has come from DHAP and one molecule I'm just carrying forward. One molecule I already had. So I'm showing that with yellow arrow over here. Yellow arrow is showing the molecule which I previously had. So ye molecule as it is yahan pe aa gaya. Therefore, iske upar step name, enzyme name, ye sab maine nahi likha hai. Okay, ye sab maine nahi likha hai. Alright, students. ठीक है, आपको ये थोड़ा बुक प्रॉपरली यूज करना है. बुक का स्पेस यहाँ पे कंजेस्टेड लग रहा है, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसको बनाओ ताकि ये वाला जो येलो एरो इसके आसपास एंजाइम का नेम आए भी ना, तो आपको प्रॉपरली ये एक्सक्लूडेड रहे दोनों स्टेप्स. ओके, ये बात क्लियर है सबको? इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस. ओके, लेट अस मूव अहेड. नाउ आई एम वेरी श्योर कि अब इसके आगे का जो भी कहानी होगा सब जगह टू 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 चलता जाएगा, है ना. सो twice of reagent, twice of ATP, twice of water, जो भी आएगा जो भी जाएगा सब twice twice होके जाने वाला है. Enzyme name में आपको twice नहीं लिखना है, don't worry. ठीक है, वहाँ पे twice नहीं लिखना. But reagents जो लगेंगे, products जो बनेंगे, ये सब double 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 चलता है. ठीक है, निधि मेहता, श्रेया सांगवी, दृष्टि, नेहा, पलक, let me know if you people are sleeping nicely. If not, then make sure आपकी कैमरा ऑन रहे. Sir, I'm not well, so I kept my camera off. Sir, I've even texted you. Palak, Palak. Yes, yes. No problem, Palak. Okay, Neha ka camera on hua to aawaz nahi aati. Okay. Theek hai. Sabka alag alag apna apna setting rehta hai, camera options. Camera on kiya to aawaz nahi aa raha. Theek, koi baat nahi. Agle baar is baar ye problem thoda solve karna try kar. And Ayush, yes, yes. I'll bring this in the statement form. Theek hai, Ayush? Abhi statement form mein bol raha hu. Statement form mein main bol raha hu. So if I'm explaining this, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा. I'll just be explaining the blue arrow, students. In my answer, I'll be only explaining the blue arrow because only this is step 5. Only this is step 5. Step 5 doesn't include yellow arrow. Do you all agree with me? Step 5 yellow arrow include ही नहीं करता. Step 5 खाली blue arrow की कहानी है पूरी. Yellow वाला तो खाली आया, मैंने खाली उसको add कर दिया ना. मैंने थोड़ी react किया कुछ यहाँ पे. This is There's no reaction which is happening over here. I'm only interested in this reaction. ये तो पहले से ही था मेरा. मैंने खाली add कर दिया. समझा? अगर आपके पास already 100 rupees थे और आपने 200 rupees अभी कमाया, so total आपके पास क्या हो गए? 300 rupees हो गए. So अगर मैं पूछूँ आपने कैसे कमाए, तो आप 200 के बारे में बताओगे ना? 100 rupees का थोड़ी थोड़ी बताने वाले हो आप. 200 कैसे कमाए वही बताओगे. So this is your step 5 over here, students. Laser check करो. This is step 5. स्टेप 5 में ये येलो एरो का एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा. इट इज कंसिडर्ड कि ये तो आपके पास पहले से था. सो दिस इज हाउ आई विल एक्सप्लेन. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन स्टेप 5. स्टेप 5. डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 3-PGAL. डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 3-PGAL बाय आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम phosphotriose isomerase, and hence now we have two molecules of 3-PGAL. That's it. Sir, one question. Yes. Sir, we only need phosphoglycoaldehyde. Phosphoglyceraldehyde. If we need that, then DHAP mein kyun convert karna? Yes. Understood. So, jo fructose ka breakdown hota hai, Ramesh. ये अपने को कब समझेगा? जब हम करेंगे केमिस्ट्री 2 12वीं में. 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री हैज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर. बायोमोलिक्यूल्स. व्हाई आई कैन नॉट हैंडल दिस राइट नाउ विद यू पीपल? बिकॉज़ यू डोंट नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर.
जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ये आप सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ देखा है पहले? 4, 5, 6 ऐसा कुछ देखा है आपने? Yes sir, ring formation में ऐसा देखा है. Okay, so this is fissure. You also have the ring form. This is fissure form, and then you have ring form. तो ये सबने नहीं देखा है. सबने इसको definitely नहीं देखा है, है ना? This is fissure projection of glucose. You also have Haworth projection of glucose. So इसको कैसे break करेंगे? Functional रूप में changes होते हैं. So if you notice properly, Ramiz, अगर ध्यान से देखे ना तू, अगर नाम को ध्यान से देख, so fructose is a carbohydrate. That is ketose by the way. Fructose में ketone function रूप होता है. Ketone function रूप. ये this is totally unnecessary. ठीक है? आपको जिसको ये सुनना है वो सुन सकता है. जिसको नहीं सुनना है वो avoid भी कर सकता है. This is just for our needs. If you want to listen, you can listen for your knowledge. इसको सुन के confuse नहीं होना है. नहीं समझा तो छोड़ देना है इसको. आपको वापस 12th standard में you will be taught in chemistry part 2. Biomolecules is the chapter name. Okay? So fructose is a ketose sugar. Fructose is a ketose sugar. When fructose breaks, it will give you two products. One is DHAP, one is PGAL. Now, if you look at the full form of DHAP, full form dekh naam kya hai? Dihydroxyacetone phosphate. That means is it a ketone? Ketone hai ye? Now, 3PGAL, phosphoglyceraldehyde. Toh ye toh aldehyde hua. Toh ek ketone, ek aldehyde. Samjha? Ek ketone milta hai, ek aldehyde milta hai. बात समझ में आई? Yes sir, समझ. हाँ, तो ये जो कीटोन मिला मुझे CH ग्रुप एड ऑन होता है क्या उसमें? हाँ, नहीं एड ऑन नहीं, जो 6 कार्बन थे उनको ब्रेक ही ऐसा किया जाता है कि ये एक कीटोन देता है, एल्डिहाइड देता है. तो वो कीटोन को मुझे एल्डिहाइड में लाना है, देयरफॉर स्टेप 5. समझा? मतलब ऐसा कोई मेजर नहीं हुआ कि फ्रक्टोज को मैं 2 एल्डिहाइड में ही ब्रेक करूं, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर हम इसको ऐसे करें. क्लियर है? सो ये DHAP बनना इज अनअवॉइडेबल. So therefore, we have to convert. Therefore, fifth step is necessary. I'll repeat fifth step in the form of statement. Now, you people try to repeat with me. आपका audio mute पे ही रखना. आपका audio mute पे रखो. आप मेरे आगे आगे बोलने का try करो. ठीक है? सर, मेरे को एक doubt है. हाँ, पूछ पूछ प्रिया. सर, textbook में NAD plus is converted into NADH plus. रुक जा रुक जा रुक जा. That is the next step. That is next step. आप लोगों को मेरे पहले बोलने की कोशिश करनी है. ठीक है बुशरा, यहाँ पे ध्यान दे. बुशरा प्लीज फोकस ओवर हियर. बुशरा प्लीज फोकस ओवर हियर. ठीक है? सो इन स्टेप 5 dash is converted into dash. Try to fill in the blanks. Dash is converted into dash. Answer deta hun. DHAP is converted into 3PGAL. You should never say twice of 3PGAL. Wrong ho jaye. DHAP ko hum do molecule mein convert nahi karte. DHAP humko ek hi 3PGAL deta hai. Dusra 3PGAL yahan se aa raha hai. समझा? DHAP से आपको एक ही 3PGAL मिलेगा. So you should say DHAP is converted into thrice of, sorry, 3PGAL. बस ऐसे मत बोलना two molecules. ये आप last में आपको बोलता हूँ. रुको, last में हमको बोलना है कि एक तो पहले से ही था, एक अब मिला, so हो गया two. ये आपको last में बोलना है. ठीक है? So DHAP is converted into 3-phosphoglyceraldehyde by dash step. Answer is isomerization in presence of dash enzyme. Answer is phosphotriose isomerase. Clear hai? Then apna last mein ek line likh denge. We already had one molecule of 3PGAL. We already had one molecule of 3PGAL. So therefore, now we have two molecules of 3PGAL. Chalo, clear with everyone? If still there is any doubt, please let me know. So clear. Good, good. चलो आगे चले जाऊं मैं. दिस वॉज स्टेप 5. यस सर. दिस वॉज स्टेप 5. लेट्स गो टू स्टेप 6. स्टेप 6 जहां पे प्रिया अटकी हुई वो स्टेप 6 पहले देखते हैं. ठीक है? सो स्टेप 6 में क्या होगा? यू पीपल विल हैव टू हेल्प मी.
एंड ट्रस्ट मी ये जो पाथवे अपन बना रहे हैं इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अभी इसमें ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको हुए ही नहीं। पहले ये चैप्टर स्टैंडर्ड 12 में था, बोर्ड के हिसाब से, एचएससी के हिसाब से ये चैप्टर स्टैंडर्ड 12 में था, बट एनसीईआरटी में तो पहले से 11 में था। इस बार लास्ट ईयर महाराष्ट्र बोर्ड ने भी इसको 11 में कर दिया। 12th में इसका फायदा क्या था पता है? 12th में आप केमिस्ट्री सीखने के बाद इसको सीखते थे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता, यहाँ पे थोड़ा वो लैकिंग है। एनीवेज पहले हमको केमिस्ट्री के हेल्प से बायो आ जाता था, अब बायो के हेल्प से शायद आपको केमिस्ट्री आ जाए। बट बिकॉज आप पढ़ाई करने वाले केमिस्ट्री, ये सेम चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे स्टूडेंट्स, सेम थिंग विल बी स्टडिंग इन केमिस्ट्री, बट दैट इज इन 12th स्टैंडर्ड। होपफुली यू विल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट टिल देन। इफ यू रिमेंबर वेरी गुड फॉर यू, इफ यू डोंट रिमेंबर तो वो चीजें आपको काफी भारी पड़ेंगी। बिकॉज इन 12th स्टैंडर्ड यू हैव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर इन केमिस्ट्री 2, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर इन केमिस्ट्री 2, which is one of the biggest chapter of chemistry 2 and which is one of the most hated chapters of chemistry 2. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उसको उस chapter को बद्दुआएं मिलती हैं। नहीं सर, मेरे को वो पसंद है। तूने वो chapter भी कर लिया? aldehyde ketone chapter भी कर डाला? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ वैसे chapters organic chemistry पसंद है। गुड, मैं तुझे ये सेम सवाल पूछूंगा एक साल बाद। और ठीक है सर, if I go by my experience, I know the answer. I've seen many students who've been very, very good, very, very good in 11th standard, and they come in 12th standard, and then you ask, "What about aldehyde and ketone chapter?" So, as a faces banayenge, kya puch liya aapne? She, din kharaab kar diya maine. Waisa, it is very good chapter if you go technically. बहुत मजा आएगा. But इतना बड़ा है ना कि वो पढ़ते पढ़ते फिर एक हद के बाद उसको छोड़ दे, अब नहीं पढ़ना नहीं कुछ. सर कितने पेजेस का है वो चैप्टर? कितने पेजेस का वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं तो ये बता पाऊंगा कि इतने रिएक्शंस हैं, ठीक है? एल्डिहाइड सेक्शन में अगर मैं सिंथेसिस देखूं, खाली सिंथेसिस एल्डिहाइड का, तो एटलीस्ट एज फार एज आई नो 6 मेथड्स हैं, 6 मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एल्डिहाइड। देन उसके रिएक्शंस अगर देखूं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 15 रिएक्शंस होंगे, हाउ इट वुड रिएक्ट विद समबडी एल्स, ठीक है? तो 21 तो यही हो गया। अब कीटोन को अलग से गिन ले एंड लास्ट में एसिड सेक्शन आता है, उसको अलग से गिन ले। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सिंथेसिस, उसका भी रिएक्शन, अच्छा खासा चैप्टर। एंड उससे ज्यादा जरूरी है कि उस चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मेनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चल लेट अस कम बैक टू दिस नाउ। सो इफ यू रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, दिस इज एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। नाउ आई एम गोइंग टू डू ऑक्सीडेशन। So this is how you have to remember, students. ये अगर आपने मेरी बात समझ ली, आपको chemistry में confirm काम आएगा, confirm. Aldehyde when it undergoes oxidation, it will give you acid. क्या देगा आपको? Acid. ये आप कहीं पे लिख के रख लोगे, आपको चाहिए। Aldehydes when they undergo oxidation, they give you acid. And अगर आपको और थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा background चाहिए, so मैं बोलता हूँ alcohol when undergoes oxidation, it gives you aldehyde or ketone. और क्यों लिखा आपको 12th में ही समझेगा, अभी मैं इसको नहीं समझाने वाला। And this when undergoes oxidation, by O I mean oxidation, so it will give you acid. This is extremely important. Trust me, अगर ये आपको याद है तो आपका chemistry का आधा tension गायब हो जाएगा, आधा tension. If you remember this chemistry का highway, मैं इसको chemistry highway बुलाता हूँ, chemistry highway. Alcohol से मेरा next destination is aldehyde or ketone. Will depend which alcohol I'm taking, primary, secondary, tertiary. Accordingly, मुझे aldehyde ketone मिलेगा. Aldehyde ketone से अगर उसका further oxidation करता हूँ तो मुझे मिलता है acid. Reverse भी आ सकते हैं. Acid का अगर मैं reduction कर दूँ तो मुझे मिलेगा aldehyde ketone. Aldehyde ketone का अगर मैं reduction कर दूँ तो मुझे मिलेगा alcohol. Reduction, oxidation, reduction उल्टा होता है ना? तो ये उल्टा मैंने आपको सिखा दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो students, हम काम पे चल रहे हैं। Yes, yes, Priyanka. Sir, can you repeat once again? मैं repeat करता हूँ। Yes, yes, yes. ये देख, Priyanka, अभी के लिए तुझे खाली इतने इतने part पे focus करना, देख, just this part, इतना ही part focus करना, ठीक है? So aldehyde when it undergoes oxidation, it will give you acid. That's it. Only this part you have to focus. Aldehyde when it undergoes oxidation will give you acid. Students who are very smart with the functional groups, students who are very smart with the functional groups,
will understand this very nicely because they know this is aldehydic function group. ये agree करते हैं सब लोग? ये है aldehydic function group, है ना? CH2, aldehydic है ना? अब देखो मैं acid बना रहा हूँ ऐसे, पर आप सबको समझ जाएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। Carboxylic acid. ये देखो। मुझे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें? क्या ऐड करना पड़ा एल्डिहाइड से एसिड जाने के लिए? क्या ऐड करना? ऑक्सीजन ऐड करना पड़ा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अल्कोहल नहीं, ऑक्सीजन ओ ऐड करना पड़ा आपने को। जस्ट वन ओ, जस्ट वन ओ। स्टूडेंट्स फोकस करो ध्यान से। नेसेंट ऑक्सीजन तो यहाँ पे O कैटलिस्ट का नहीं ऑक्सीजन होगा ना वो फिर वो हाँ वो तो बाद की बात है, वो बाद में केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी के लिए मुझे खाली इतना जानना है कि मैंने क्या ऐड किया। मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, so therefore can I call this as oxidation reaction? Can I call this as oxidation reaction? Yes, sir. Because I've added oxygen. समझा? So अब आते हैं बायो में। प्रिया समझ रहा है? समझ रहा है प्रिया? ओके, अगर सपोज ये देख, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, सपोज नहीं समझा तो छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं। तो यू विल हैव टू जस्ट लर्न दिस स्टेप नेम, कि लर्न स्टेप में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तुझे लर्न करना। अगर तुझे समझ में आ मैंने क्या बताया तो तुझे ये याद रहे, ठीक है? सो ये देखो क्या बन गया स्टूडेंट्स, 1.3 डाई पीजीए फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म लिख दू, पीजीए का फुल फॉर्म लिख दू आपके लिए, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फिलहाल के लिए भूल जाओ 1 and 3 को, ठीक है? भूल जाओ 1 and 3 को, खाली पीजीए को ध्यान दो, जस्ट पीजीए स्टूडेंट्स। एंड नाउ टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, आई हैव कन्वर्टेड पीजीएल इनटू पीजीए, एल्डिहाइड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एसिड में, एल्डिहाइड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एसिड में। हाउ? तो आप बोलोगे जरूर आपने ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडेशन किया है आपने। इतना समझ में आया सबको? इज देयर एनीवन जिसको ये नहीं समझ में आया, ये स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, पूछ लो मुझे, आपको क्या नहीं समझा मुझे पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या आएगा? एक एक करके पूछो। When I do oxidation of aldehyde, the aldehyde function group will change into acidic function. Samjha? Ye dekh. This is aldehydic function group CH double bond O. If I do its oxidation, agar main iska oxidation karta hoon, if I do oxidation, to ye kya hota hai pata hai? Ye kya ban jata hai? Ye ban jata hai C, ye to yahi rahega. यहां पे एक और O आ गया, तो क्या बन गया? COOH एसिड बन गया ना ये, समझ में आया? सो जो तू बोली कि नाम में जो अल था, अल कहां गया? वो स्पेलिंग है, स्पेलिंग, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड इंडिकेट कर रहा है। द एल्डिहाइड हैज नाउ बिकम एसिड, क्लियर? सो इट बिकम्स पीजीए। बट सर स्टिल देयर इज ए ना इन पीजीए, करेक्ट? फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, phosphoglyceric acid, P for phospho, G for glyceric, A for acid. Clear? Previously I had P for phospho, G for glycer, A for aldehyde, phosphoglyceraldehyde. Samjha? Yes, sir. So that Al only is become into acid now, na? Bas. You have converted aldehyde to acid. That's it.
Thank you so much, sir. Anybody else with any doubt? Please ask me. Okay, good. चलो आप चलते हैं आगे. Okay, आगे चलते. Now oxidation कैसे हुआ? Oxidation कैसे हुआ? तो chemistry से थोड़ा देर में बाहर आ जाता हूँ. Let me try to understand. ये मैंने क्लास 10 में पढ़ा है. ऑक्सीडेशन मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन करूँ, इफ आई एम नॉट गोइंग टू द इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैं जा रहा हूँ खाली एच एंड ओ को हैंडल करूंगा. सो अगर मुझे आदि पूछता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, सो आई विल से ईदर यू एड ऑक्सीजन और यू रिमूव हाइड्रोजन. सब अग्री कर रहे हो उसको? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ओ और removal of H, that is oxidation. Addition of O or removal of H. कोई भी एक काम करा तो उसको मैं oxidation बोलूं. आपको लिखना है तो आप बुक में लिख लो. Oxidation लिख दो टाइटल, राइट डाउन oxidation मतलब क्या. सो वहां पे लिख दो ऑप्शन. What is oxidation? ऐसे लिखो टॉप पे पेज पे कहीं पे आपको याद रहेगा. What is oxidation? What is oxidation? वहां पे तीन आंसर्स लिख देना, तीन आंसर्स लिखो, ठीक है? ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन, अगर मैं प्रिया को पूछता प्रिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो प्रिया बोलेगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. लिख दे प्रिया, लिख दे अपना आंसर. व्हाट इज ऑक्सीडेशन के नीचे लिख दे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये प्रिया का आंसर था. सेम क्वेश्चन मैंने पूछा साक्षी को. साक्षी व्हाट इज ऑक्सीडेशन? साक्षी ने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. So that is answer number two. वो भी करेक्ट है. हाँ शाबाश रमीज, शाबाश. ठीक है. So what is oxidation? एक मिनट रमीज में आ रहा हूं, एक मिनट एक मिनट. So what is oxidation? पहला आंसर आया मुझे प्रिया का, उसने बोला सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. वेरी गुड, दैट इज राइट आंसर. अगेन आई आस्क व्हाट इज ऑक्सीडेशन, साक्षी बोलती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इवन शी इज करेक्ट. फिर से मैंने पूछा What is oxidation? तो रमीज बोलता है, रमीज बोलता है क्या करना है? वापस से मैंने पूछा किसको मैं पूछ रहा था? रमीज. रमीज को मैं, हाँ रमीज 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 को मैंने पूछा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो रमीज ने बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड सर, इसका इजी तरीका हम लोग को. हाँ हाँ नहीं नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, वो तरीके पे मत जाना, रुक जा रुक जा रुक जा. मेरे को ये जो मैंने आपकी तीन एग्जांपल दिया मेरे को उसका यूज करना है. रुक जा जल्दी लिख लो, पहले ये तीनों लिख लो. तीनों लिख लिया? हाँ पूछ पूछ डाउट पूछ प्रिया. सर इसमें एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही आएगा? हाँ शाबाश वेरी गुड. अभी तक हम लोग एरोबिक पे नहीं गए हैं प्रिया, ठीक है? सो दिस हैज टू बी एनएरोबिक. फिलहाल हम जो भी कर रहे हैं एनएरोबिक ही है. We have not utilized O2 and neither we are going to utilize O2 right now. So Priya का answer तो मैं नहीं use करने वाला. याद है Priya का answer क्या था? Addition of oxygen. है ना बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? Priya ने क्या बोला? What is oxidation? मैंने बोला, wait. मैंने question पूछा, what is oxidation? Priya ने बोला addition of oxygen. तो उसको pencil से cross कर दो. वो हम अभी use नहीं करने वाले. So Priya का answer अपन नहीं use करेंगे. एंड रमीज को मैंने मना कर दिया, तो थर्ड वाले को भी क्रॉस कर दो. रमीज का आंसर मैं नहीं यूज करना. वी आर नॉट गोइंग इनटू इलेक्ट्रोड्स राइट नाउ, ठीक है? इलेक्ट्रोड्स पे जाना ही नहीं है, नहीं जाना है. मैं आता हूं साक्षी के आंसर. साक्षी ने बोला सर ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ बताओ क्या बोला साक्षी ने? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. वेल डन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटीपी के बारे में. एटीपी ने हमको बोला था जब भी फॉस्फेट चाहिए मुझसे मांग लेना, जब भी फॉस्फेट चाहिए मुझसे मांग लेना. आज अपन एक नए आदमी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है एनएडी. क्या नाम है इसका? एनएडी प्लस. फुल फॉर्म आता है आप लोगों को एनएडी का? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. सुना राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू हियर एनएडी फ्रॉम यू पीपल.
फुल फॉर्म मैं आपको नहीं पूछूंगा, ठीक है? सो एनएडी आ गया, एनएडी आ गया, हमने पूछा एनएडी तू क्यों आया, उसने बोला ऑक्सीडेशन करना है ना, तो मुझे साक्षी ने भेजा है ऑक्सीडेशन करने के लिए। किसका ऑक्सीडेशन करेगा तू? मैं पीजीएएल का ऑक्सीडेशन करूंगा, पीजीएएल का ऑक्सीडेशन करूंगा। कैसे करेगा ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन निकाल के। कैसे करेगा ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है? तो हाइड्रोजन निकाल दे, सो एनएडी अगर हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? एनएडीएच। वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 10th स्टैंडर्ड बोलता है एनएडीएच2 बन जाएगा, 10th स्टैंडर्ड बोलता है एनएडीएच2 बन जाएगा, और 12th स्टैंडर्ड बोलता है NADH+H+ बनेगा। NADH2, तो ये क्या चीज है यार, ये क्या चीज है? NADH2 ही है कि कुछ अलग है? NADH+H+, ये देखो 11th 12th के बुक आपको बोलेंगे कि ये बनने वाला है, 10th स्टैंडर्ड का बुक आपको बोलता है कि ये बनने वाला है। ये दोनों सेम है कि अलग है, इसके बारे में चैप्टर के एंड पे इसका सस्पेंस में हटा दूंगा, ठीक है? चैप्टर के एंड में, अभी नहीं, अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आई ऑल्सो से NADH2 बन गया, चलो NADH2 बन गया। डू ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? सबको ये समझ में आ गया? काफी सिंपल था ये। यस सर। रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। यस सर, समझ गया। हाँ, प्रोसेस पहले समझो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझो। माय ऑब्जेक्टिव इज, रेबेका ने बोला कि एल्डिहाइड को एसिड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू ऑक्सीडाइज इट, यू विल हैव टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू एसिड, यू विल हैव टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन। साक्षी ने बोला कि गुड, ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन प्रिया देती है, एक ऑप्शन मैं देती हूँ, एक ऑप्शन रमीज ने दिया, बट हम प्रीफर करेंगे इस केस में साक्षी का ऑप्शन, विच इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो वो करने के लिए हमने किसको बनाया? कौन हाइड्रोजन का चोर है अपने पास? कौन चोरी करता है हाइड्रोजन का? NAD+ चोरी करता है हाइड्रोजन का। NAD+, NAD+, प्लीज रिमेम्बर। तो NAD+ याद रहेगा तो आपको जो सस्पेंस में खोलूंगा चैप्टर के एंड में, तो वो ही समझ में आएगा। NAD+ अगर याद रहा तो ही, ठीक है? अच्छा, एक और बात बता दो, सब कुछ 2-2 लिया है तो इसको भी 2-2 ले लूं क्या? सब कुछ 2-2 बनने वाला है तो ये भी 2 ले लेता हूं मैं, क्या बोलते हो? Twice 3PGL लिया ना आपने, ये twice molecule लिया ना, so therefore reagents भी twice आएंगे, समझा? ये रेबेका नहीं समझा, ये वाला क्या नहीं समझा इसमें? Sir, from where did NAD+ came? Okay, that is present in your cytoplasm, already present in your cytoplasm. But sir, that is after 3PGA, after correct. That step it is? Correct. No. Two, jaise, yeh, listen to me. This is 3PGL. This is 3PGL. Okay. And this is 3PGA, suppose. Niche wala pe apur. So I have to remove hydrogen from this reactant. 3PGA se mujhe hydrogen nikalna hai. So that it converts into 3PGA. Confirm? Samjha? Ye dekhi, ye step samjha? I have to remove hydrogen from 3PGAL to convert it into 3PGA. So hydrogen kaun nikalega? NAD+. Samjha? So NAD+ will remove one hydrogen from 3PGAL to make it 3PGA. Understood? क्लियर है? ये देखो, यस सर, ये देखो, ये NAD+ आया, NAD+ ने किससे हाइड्रोजन ले लिया? 3PGL से हाइड्रोजन ले लिया, दिख रहा है ग्रीन एरो? 3PGL ने एक हाइड्रोजन को दे दिया, यस सर। तो हाइड्रोजन लेने के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया NADH2, एंड 3PGL क्या बन गया? PGA में कन्वर्ट हो गया। सो दिस हैपनिंग साइमल्टेनियसली, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। So if I want to undergo oxidation, I will have to call NAD+. जैसे मैंने ATP को बुलाया कि ATP please आ जा, मुझे phosphate दे दे, वैसे मैं बुला रहा हूँ NAD+ please आ जा, मेरा oxidation कर दे, I want to convert into PGA. ठीक है? Understood sir. Thank you sir. Yeah. और भी किसको doubt था ना अभी? कोई और बीच में बोल रहा था? Sir, जब sir है तो product भी दो ले लेते। हाँ, एब्सोल्युटली, प्रोडक्ट भी दो लेंगे अपन। आयुष, एक मिनट, मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ, दो लेंगे ये तो कंफर्म बात है। हाँ, कनक पूछ।
सर मेरा सेम ही डाउट था कि प्रोडक्ट भी दो ही होना चाहिए। यस 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 प्रोडक्ट भी दो आएगा, बट ये स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप में एक और नाम ऐड कर रहा हूँ, यू पीपल टेल मी कि इस स्टेप की वजह से क्या हो जाएगा। सो स्टेप नेम कंप्लीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या ऐड होने वाला है? इट इज एडेड। वेरी गुड, फॉस्फेट इज एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा होगा कि एटीपी नहीं आएगा फॉस्फेट देने, H3PO4 आएगा। कौन आएगा? H3PO4, ठीक है? कौन आएगा? H3PO4। वेट वेट वेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है? ये पूरा हटा के इसको छोटा छोटा फॉर्म में लिखता हूँ, एंड देन वी विल कम टू H3PO4 आल्सो। ओके, सो दिस स्टेप इज, स्टेप नेम मेरा क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, oxidative phosphorylation, and who else is coming over here? Is that now organ involved? Ho raha hai? H3PO4, phosphoric acid. H3PO4, phosphoric acid. एक और phosphate इसने दे दिया। हाँ प्रिया बोल बोल। वो enzyme है? नहीं, reagent है, reagent है, reagent है ये। So इसने मुझे एक और phosphate दिया। इसने जो phosphate दिया वो मैंने कहाँ रखा बताऊं आपको? आप बताओ कहाँ रखा मैंने वो फॉस्फेट, कौन से कार्बन नंबर पे? करेक्ट आंसर, ठीक है? सो वन कार्बन नंबर पे ये वाला फॉस्फेट मैंने अटैच कर दिया जो मुझे H3PO4 ने दिया है, ठीक है? एंड ओवरऑल आप जो आयुष बोल रहा था वो वाला काम मैं कर देता हूँ। सो ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स? ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल्स। Now let us revise this step. Step revise कर रहा हूँ. जहाँ भी आपको लगा नहीं समझा, immediately switch on your audio. Okay? So, 3, ये 2-2 को भूल जाओ फिलहाल, 2-2 को भूल जाओ. खाली main structure पे focus करते हैं. Thrice 3PGL, sorry. 3PGAL undergoes, अपना hand use करना, दोनों हाथ use करना. ठीक है? 3PGL, everyone. Show me like this. एक हाथ से हम दिखाएंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? राइट हैंड से हाइड्रोजन रिमूव करो, ऐसे दिखाओ एक्शन, या ऐसे एक्शन दिखाओ, ऐसे एक्शन दिखाओ, बाहर जा रहा है। कौन बाहर जा रहा है? हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और एक हाथ से मैं दिखाऊंगा फॉस्फेट अंदर आ रहा है। चलो एक साथ करो ये। वेरी गुड, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक स्टेप से बाहर जा रहा है, एक से अंदर आ रहा है। हाँ वेरी गुड वारी सोलंकी, मस्त वारी सोलंकी, मस्त ऐसे से कर। ओके, सो मेन मोटिव इज यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द अदर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट साइमल्टेनियसली हो रहा है। चेक करो, एरो पे चेक करो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सीडेशन हो गया। एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट, कौन देने आ रहा है फॉस्फेट मुझे? H3PO4। समझ में आया? बता क्या नहीं समझा रबीका, क्या नहीं समझा? सो व्हाई इज फॉस्फोरस एडेड, फॉस्फेट एडेड, फॉस्फेट एडेड बिकॉज़ ऑफ द स्टेप नेम। Correct. Step name is oxidative phosphate. Two things are happening. Therefore, we come to the step name. उल्टा है, जो चीजें होती हैं उसके ऊपर से मैं step name लिख रहा हूँ। Step name से दो चीजें नहीं कर रहा हूँ, दो चीजें हो रही इसलिए मैंने step name दिए, समझा? ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें, ये step में क्या क्या हुआ? एक तो हाइड्रोजन निकल गया, सो मैंने step name में दे दिया oxidation. But phosphate भी add हुआ, तो मैंने दे दिया oxidative phosphorylation. Clear है? But sir, you first derive the step name na, then you add it. वो अपन पढ़ने के लिए, अपन पढ़ने के लिए वैसा करते हैं। अच्छा, okay. इसलिए हम step name पे आते हैं। Okay sir, हाँ, thank you sir. और कोई doubt? Sir, लेकिन आपने पिछले वाले time में तो लिखा था 1.3-bis. हाँ, yes, शाबाश, उस पे आ रहा। दो मिनट दे दे। ये समझ में आया? So मैंने oxidation भी किया, मैंने फॉस्फोराइलेशन भी किया, मैंने ऑक्सीडेशन भी किया, मैंने फॉस्फोराइलेशन भी किया।
एक फॉस्फेट मेरे पास पहले से ही था, एक फॉस्फेट मैंने ऐड किया, एंड नाउ लेट अस कंप्लीट द नेम, है ना, एक फॉस्फेट पहले से ही था. सर ये फॉस्फेट, बोल बोल. सर ये स्टेप में जब आपने फॉस्फोराइजेशन किया तो एटीपी ऐड नहीं हुआ. हाँ. उसके जगह पे एनएडी प्लस और एनएडीएच2 ऐड हुआ. नहीं नहीं नहीं, एनएडी प्लस खाली अंदर आया और एनएडीएच2 बाहर चला गया. एनएडी प्लस आया, एनएडीएच2 बन के गया, समझा? यस सर, थैंक यू सर. यस, एनएडीएच2 ऐड नहीं हो रहा है, एनएडीएच2 बन के चला जाता है. एंड H3PO4 इज अ फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट. तुम सबको समझ में आ रहा है? सर इसका एंजाइम, हां एंजाइम पे आ रहे हैं, एंजाइम पे आ रहे हैं. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दी प्रोडक्ट नाउ. सो प्रोडक्ट में आई हैव 3-3 फॉस्फो, 3-3 फॉस्फो, 3-3 फॉस्फो. सो अगेन एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा. 1,3 डाई पीजीए. डाई क्यों? दो दो फॉस्फेट. और एल्स आप बोलो बिस. एक फॉस्फेट है फर्स्ट कार्बन पे, एक फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पे. जैसे आप बोलते हो डाई मिथाइल, वैसे आप बोलो डाई फॉस्फो. क्लियर है? जैसे अपन आयुपैक में करते ना 1,3 डाई मिथाइल प्रोपेन. नहीं ऐसा नहीं होता, इसका नाम तो पेंटेन हो जाए. 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसा आप कहा था ना, डाई मिथाइल, दो बार मिथाइल है, वैसे यहाँ पे दो बार फॉस्फेट है. सो आप बोल रहे हो 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. So what is the full form of PGA? PGA का full form नीचे लिखा है, phosphoglyceric acid. बोल बोल. Yes sir. सर दूसरा phosphate कहाँ पे, मतलब? हाँ ये देख, ये देख, ये देख, ये देख प्रियंका, एक phosphate यहाँ पे है, laser check कर, समझा? और दूसरा phosphate ये रहा जो H3PO4 हमको दे रहा है. Yes sir. समझा? ठीक है, हाँ ओके अंडरस्टूड प्रशिष्टी. आई विल कम टू दिस नाउ. पहले ये क्लियर हुआ, दो फॉस्फेट कहां से आया वो क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया सबको? एक मिनट, आई एम वेरी नाइसली अंडरस्टैंडिंग कि ये कंफ्यूजन कहां हो रहा है. ठीक है, मैं अब इसको गायब कर देता हूँ. ये देखो, ये अब देखो, ठीक है, 3PGA, 3PGAL को देखो, 1,3 डाई पीजी को, बस इतने लोग को देखना है. So I have one phospho group over here already in my reactant, and one phospho I'm going to add through H3PO4. Okay, my previously जो मेरे पास phospho है वो कौन से कार्बन पे है प्रशिष्टि? It is on which carbon number? प्रशिष्टि tell me. Carbon number three, correct? So the phospho which I'm going to get from this phosphoric acid, जो phospho मिलेगा वो मैं कहां रखूंगा? कार्बन नंबर 1. क्लियर? क्लियर है? ये देखो, इफ आई कैन हेल्प यू विद दिस स्ट्रक्चर आई विल बी वेरी ग्लैड. सो दिस इज समथिंग, दिस इज हाउ ग्लिसराल्डिहाइड लुक्स लाइक. ये मैं ग्लिसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. CHO, CHOH, CH2OH. दिस इज ग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसराल्डिहाइड, समझा? तो अभी मैं ये बनाता हूं. चलो ये देखो, ये बना रहा, आपको बहुत मजा आएगा जानकर. 3PGAL फिलहाल ये जो है खाली ग्लिसराल्डिहाइड. नाउ लेट मी मेक कन्वर्ट इट इनटू 3PGAL. तो मैं क्या करूंगा बताए? दिस इज 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 1,2,3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. Understood? Next. This is 3PGA, 3-phosphoglyceric acid. This is 3PGA. And next, अब बताओ इसका नाम क्या है? समझ में आया बात?
स्ट्रक्चर्स आपको नहीं है बट आपको समझाने के लिए जिस मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की सो दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है ओके अब रिपीट करता हूँ ट्राई टू लिसन प्रॉपरली सुनने का ट्राई करो. ये देखिए वो पूरा हटा देता हूँ. ठीक है पूरा हटा देता हूँ पूरा हटा देता हूँ. ये सब हट गया सब हट गया. ठीक है ये मुझे याद है कि दिस इज ट्वाइस ये दो मॉलिक्यूल बना है ये तो मुझे याद है. ठीक है सो अब दो चीजें होने वाली हैं. फर्स्ट थिंग इज चलो आई एड वन फॉस्फेट ग्रुप ओवर हियर. कौन ऐड करेगा H3PO4 कहां पे ऐड हुआ फर्स्ट कार्बन. सो 1.3 P तो बन गया 1.3 डाई P प्लस मैंने बुलाया NAD+ को जो बन के चला गया NADH2 NAD+ बन के चला गया NADH2 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया तो PGL क्या बन जाएगा PGA. इज दिस क्लियर क्लियर है ये एवरीवन. यस सर यस सर शाबाश वेरी गुड वेरी गुड. सो टू स्टेप्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली दो स्टेप्स हो रहे हैं एक साथ तो आपको वो समझ तो जब आप ऐसे कर रहे थे आपको यही समझना था कि एक रिमूवल हो रहा है एक का एडिशन हो रहा है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हु इज डूइंग दैट NAD+ एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट हु इज सप्लाइंग फॉस्फेट H3PO4. सो बोथ दीज स्टेप्स टूगेदर आई विल से स्टेप नेम विल बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ठीक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब यहां तक सबको क्लियर है. अब इसको रिटर्न लेकर आ जाए. ये आ गया रिटर्न. ट्वाइस ट्वाइस तो वैसी है ना ट्वाइस ट्वाइस तो वही रहेगा. सब कुछ दो 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 हो रहा है. दो रिएक्टेंट था अगर तो दो प्रोडक्ट भी मिलेगा मुझे. समझ में आया. सब कुछ ट्वाइस ट्वाइस लिखते रहना है बिकॉज आपको दो ये दो है समझ रहा है. रिएक्टेंट ही दो था तो आपको प्रोडक्ट भी दो मिलेगा ना. इतना तो क्लियर है ना. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को. बट सर बाय राइटिंग डाई इट मींस टू ओनली ना डाई फॉस्फेट एंड ट्वाइस ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल ये टोटली डिफरेंट पिक्चर है. ये देख रेबेका इसमें कंफ्यूजन मत हो जा. इसको खाली टू टू लिखते जा बस. समझा फॉस्फेट या अपने मॉलिक्यूल के अंदर की बात होगी. ओवरऑल मॉलिक्यूल कितना था टू. ओवरऑल रिएक्टेंट कितना था टू. सो ओवरऑल प्रोडक्ट भी कितना रहेगा टू. समझा रिएक्टेंट के अंदर दो फॉस्फेट अभी अपने डाला तो हमने डाई दिया. सो दिस इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फॉस्फेट. ऑलरेडी एक फॉस्फेट यहां पे था एक मुझे यहां से मिला सो बन गया टू. समझा पहले इसलिए मैंने पहले क्या समझाया. ये देख पहले मैंने तो ये समझाया देखिए ये सब दोनों निकाल दिए. ये देख ये समझ में आया पहले तुझे. ये समझ में आया 1,3-dipg कैसे आया. यस सर हां ये क्लियर है ना 1,3-dipg पहले ये समझ कर. अब मैं अगर तुझे बोलता हूं कि नहीं 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 सॉरी 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 ये 3pg जो है 2 टाइम्स था तो अभी तू इसके बारे में क्या बोलेगी. ये भी तो 2 होगा ना. समझा पर सर वो दो है लिखा है ना अंदर डाई पीजे मतलब दो बार ना तो फिर चार बार हो जाएगा सर. वेट 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 ये अलग है. अभी हम खाली फॉस्फेट के बारे में देख रहे हैं. ये खाली फॉस्फेट के बारे में 3PGL में एक फॉस्फेट ऑलरेडी है एक फॉस्फेट हमने ऐड किया टोटल हो गया दो तो ये तो जस्टिफाइड है. ये तो जस्टिफाइड है ना. टेंशन मत ले तू अभी भी जस्टिफाई करेगी इसको. ये देख अब इफ आई से कि नहीं 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 ये पूरा ही ट्वाइस था सो ऑलरेडी यहाँ पे यू विल से कि 1 and 2 करेक्ट ऑलरेडी 2 and 2 है ना ऐसे तो बोल ना. अगर मैंने इसको ट्वाइस किया तो ये 2 हो गया अंदर वाला फॉस्फेट करेक्ट है ना. एंड इसको भी मैं अगर ट्वाइस करता हूं तो यू आर करेक्ट कि अभी तो फॉस्फेट सर 4 हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हाँ सो इसको भी ले ले ट्वाइस. अब क्लियर है समझा. ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 4 और 4 यहाँ पे दिख रहे हैं. सर सर ये 4
ये देखिए देखिए यहाँ पे दो अभी तुम ये टू मॉलिक्यूल के देख के कैन यू से ओवर हियर आई हैव टू फॉस्फेट्स ओवर हियर यू हैव फोर यू आर सेइंग तो दो से चार कैसे आया तो तुझे यहाँ पे दो ऐड करना पड़ेगा ना टू प्लस ब्लैंक गिव्स यू फोर टू प्लस ब्लैंक गिव्स यू फोर So this blank should have which number? Two. Therefore, मैंने इसको balance किया two से. Clear है? Sir, I balanced it as you put two outside the bracket, and that's why I plused both, and then I told you as four. नहीं. हाँ तो you are saying कि this is four ना ये पूरे को four बोल रही है ना तो because this is over here two. हाँ correct है. So ये पूरा you are saying four right? This entire thing is having four phosphate. Perfectly correct. This entire thing is having two phosphates. Correct? Yes, sir. That is what I'm asking. If this has two phosphates, finally if I have four phosphates, that means ye kitna hoga? This has to be two. Yahan pe bhi two aana padega na, tabhi to four hoga niche. Varna wo baki two kahan se aa gaya? So that only I didn't understand. Why you added that two? If only dies added then why we need to add two again outside the bracket acha ye wala two nahi samjha ye wala two yes sir acha tujhe molecule ke beech mein and phosphate ke beech mein confusion tu kar rahi therefore tu yahan wahan ghoom rahi dekh ek baat clear kar pehle ye clear ho jaye isme ye clear ho अभी तू फॉस्फेट के लेवल पढ़ाई कर रही मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ाई कर रही है सो मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मेनी फॉस्फेट्स यू हैव राइट नाउ बता मुझे इसके पास कितने फॉस्फेट्स वन वेरी गुड यहाँ इसने तुझे कितना फॉस्फेट दिया वन वेरी गुड देयरफॉर हाउ मेनी फॉस्फेट यू हैव ओवर हियर टू बस इसको लॉक कर दे सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फॉस्फेट ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग सो अभी तूने बोला कि रेबेका के पास एक फॉस्फेट है रेबेका को मैंने एक फॉस्फेट दे दिया तो उसके पास टोटल हो गया दो फॉस्फेट राइट है हाँ इफ आई से रेबेका का खुद का देर आर टू रेबेकास दो रेबेका हैं ओवरऑल तो प्रोडक्ट भी मैं तू ही कर दूंगा ना ये समझा प्रोडक्ट भी तो ट्वाइस बनेगा ना ये खाली बैलेंसिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं ये टू क्यों ये टू क्यों आया यहां से आया ये टू तो समझ में आया ना ये हमने ट्वाइस क्यों लिखा हाँ सर वो समझा हाँ तो तुझे खाली इतना समझना है कि अभी से सब कुछ टू 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 रहेगा एक बार ये वाला टू रेडी हो गया यहाँ वाला सो नाउ एवरीथिंग विल बी हैपनिंग ट्वाइस एवरी सिंगल स्टेप एवरी रिएजेंट एवरीथिंग विल बी हैपनिंग ट्वाइस बस Sir, then how many phosphate molecules are added, like H3PO4? We'll add, H3PO4 will add two. See, it is simply, ये देखो, आपको ऐसे समझना आप लोगों को कि ये जितने भी reactions step 5 के बाद जो भी होगा, सब कुछ double बार होने वाला है. Because हमको product ही यहाँ पे double मिला है. आप लोग product पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको phosphate पे जा रहे हो. Therefore, आपका mistake हो रहा है. आपको larger picture देखना है. ये देख. अपने पास है दो दो पीजीए मैं ये क्या बता रहा हूं ये तुमको मैं ये दिखा रहा हूं ये यहां देखो स्क्रीन पे जो मैंने रेड में डाला है रेड बॉक्स सो इफ आई हैव ट्वाइस ऑफ 3PGL दिस इज 1 3PGL दिस इज अनदर 3PGL सो मेरे पास कितना है टोटल ट्वाइस ऑफ 3PGL ये अग्री कर रहे हो सो नाउ एवरीथिंग विल हैपन ट्वाइस सब रिएक्शन ट्वाइस होगा ना सारे रिएक्शन डबल बार जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा इसने पानी पिया ये भी पानी पिएगा इसने खाना खाया ये भी खाना खाएगा इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो इसका भी होगा ऑक्सीडेशन इसका हुआ फॉस्फोराइलेशन इसका भी होगा फॉस्फोराइलेशन समझ में आ रहा है ये बात एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन ट्वाइस इफ आई से ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 1,3-dipg ये बोलेगा मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा into 1,3-dipg clear is this clear now yes sir
ठीक है समझा. ये देखो आई डोंट नो मे बी दिस विल क्लियर द पिक्चर मे बी ट्वाइस 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 सब कुछ ट्वाइस सब कुछ ट्वाइस. सो यहां से एवरीथिंग विल हैपन ट्वाइस. तो अंदर ये जो अंदर हो रहा है ना अंदर जो चीजें चेंज हो रही है ना दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन. वहां पे काउंटिंग मत करो वो आपको रिएक्शन समझना है कि क्या हो रहा है कितना बन रहा है इसके लिए आपको ये देखना है. ये क्लियर है. सो रिएक्शन देख के आई कैन से कि डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है देयरफॉर ये पीजीएल से पीजीए बन गया. डेफिनेटली यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है देयरफॉर 3PGL से 1,3-dipgA बन गया. डाय वन पे भी है थ्री पे भी है बट कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं उसके लिए तो मेरे को मेरे पास एक ही आंसर है ट्वाइस 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 बिकॉज स्टेप फाइव के बाद सब कुछ ट्वाइस होने वाला है. क्लियर सर. So, dye is because of presence of phosphate on first and third carbon. Exactly. And two is good. Because of twice of that. Molecule. Yes, twice of that molecule. So this two is indicating you molecule. This two is indicating you entire molecule ka do into two. Take me that. I have one more way to explain you this. मेरे पास एक और तरीका ये बताने के. हाँ चलो ये तो यहाँ तक समझ में आया. यहाँ तक समझा रेबेका यहाँ तक समझा. हाँ yes sir. So एक काम करते हैं ये देख अभी रेबेका को इसमें confusion हो रहा तो मैं इसको ही इसको दो part में पढ़ता हूँ ठीक है. Can I say कि this is as good as this? Yes, sir. हाँ गुड ठीक है. अब मुझे इसका करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो कौन आएगा एनएडी आएगा एनएडी प्लस क्या बन जाएगा एनएडीएच टू बन जाएगा साथ में कौन आएगा एस थ्री पीओ फोर आएगा. सो आंसर क्या आएगा 1,3 डाई पीजीए. ये आंसर मिला मुझे 1,3 डाइपीजीए. यस सर. ये क्लियर है यहां तक. क्लियर है ना. एनी डाउट ओवर हियर. नो सर. वेरी. ये वाला बोलता है मुझे भी सेम सेम करना है जो बाजू वाले का क्या भाई मुझे भी करके सेम सेम. तो यहां भी वही आएगा 1,3 डाइपीजीए. यहां भी तो सेम आएगा ना आंसर इसके साथ भी सेम. यस सर. ये क्लियर है. यस सर. ओके नाउ कैन आई राइट बोथ ऑफ देम कंबाइंड इन दिस पैटर्न. इन दोनों को एक साथ लिखना तो कैन आई राइट लाइक दिस 1,3 डाई पीजीए. यस सर. डिस्ट्रिक्ट सर. तो ये था. So, सारा जो भी रिएक्शन है पूरा दो बार होगा. तो हमको नाउ यू डोंट हैव टू राइट इट ट्वाइस एवरी टाइम. आपको ट्वाइस ट्वाइस दो दो बार सब कुछ रिएजेंट एंजाइम सब नहीं लिखना. सो आपके लिए आसान तरीका क्या है. आपके लिए आसान तरीका है कि ये सब ना लिख के एक ही बार इंटू टू खाली कर देना है. समझा. यस सर. थैंक यू सो मच सर. सो दिस विल बिकम इंटू टू ब्रैकेट में राइट 1,3 डाई पीजीए. ये तो क्लियर है मुझे. देन अब रिएजेंट्स जो मैं एक बार खाली लिखता था अब मैं उसको ट्वाइस लिखूंगा ठीक है. सो ट्वाइस एनएडी प्लस विल बिकम ट्वाइस एनएडीएच टू एंड आई विल हैव ट्वाइस ऑफ एच थ्री पीओ फोर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. समझ में आ रहा है. यस सर. Yes, sir. Very good. Oxidative phosphorylation. तो step का नाम अभी मेरे को twice लिखने की ज़रूरत नहीं है. Step का नाम तो वही होना है ना बार बार. ये हो देखो ठीक है. An enzyme name कैसे आएगा. Let us focus on enzyme name now. So जैसे आपने ATP है तो आपने kinase डाल दिया था.
ठीक है प्रशिष्टी, समझ में आ रहा है? गुड, ओके, वेरी गुड. चलो, सो लाइक वी डिड काइनेज फॉर एटीपी, काइनेज, सिमिलरली आई विल पुट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज वेर एवर आई विल सी NADH2 का फॉर्मेशन. एनी आइडिया अबाउट दिस, ये क्यों आया? Because hydrogen का removal हुआ ना. Wow, superb, superb. That is correct answer. Because NAD is removing hydrogen. Hydrogen remove करे ना हम. Therefore, yes, dehydrogenase. Dehydrogenase. And what about the name? Name, tell me the full form of PGL students. PGL का full form क्या है? Phosphoglyceraldehyde. Very good. So we already have half over there. Phospho is already a half word, है ना? Phospho. वरना तो अपन फॉस्फेट बोलते थे, फॉस्फो ऑलरेडी हाफ है, तो हमको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप लिखोगे PGAL, ये पूरा ऐसे लिखते. सो इट इज PGAL का डिहाइड्रोजिनेस, दैट इज ऑक्सीडेशन. क्लियर? अच्छा, जैसे फुल फुल ना देगा कैसे बोले? PGAL नहीं आएगा. PGAL भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू राइट ओनली PGAL मोर देन इनफ. इफ यू राइट ओनली PGAL मोर देन इनफ. सो PGAL डिहाइड्रोजिनेस. आयुष, तेरा क्या डाउट था? सर फुल फॉर्म में इसको बोलना रहेगा, पूरा एंजाइम तो पूरा बोल सकता है तू, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ऐसा भी बोल सकता है, बट PGALDRNS लिखा तो तुझे फुल मार्क्स. PGL को फुल फॉर्म देना, देख PGL का तुमने एक बार कहीं पे फुल फॉर्म लिख दिया तो इनफ है, फिर एवरी टाइम यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज ये सारे स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये है एक्चुअली. सो पहली बार यू विल हैव टू राइट फुल फॉर्म ए फर्स्ट टाइम एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. यस प्रियंका. सर फुल फॉर्म लिखना इम्पोर्टेंट है क्या? यस यस यस, एटलीस्ट वंस यू विल हैव टू राइट फुल फॉर्म. सो मैंने एक बार अगर यहाँ पे इसके नीचे पेन से लिख दिया कि इट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, यहाँ पे लिख देने का पेन से, ठीक है, छोटे में, वैसे यहाँ पे यू कैन राइट. ये देख इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है 1,3-diphosphoglyceric acid, समझा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. सिर्फ एक बार लिखा तो मोर देन इनफ, या फिर पूरा फ्लो चार्ट बना ले, फिर कहीं पे साइड में सब फुल फॉर्म एक साथ लिख, वो भी चला, जैसे अपन ग्राफ में करते थे ना वैसे. अच्छा, एक और चीज, फॉस्फो जैसे जैसे एसिटिक एसिड को अपन एसिटेट भी बोलते हैं ना, एसिटिक एसिड को एसिटेट बोलते हैं हम, ये पता है आपको? एसिटिक एसिड वी ऑल्सो कॉल इट एज एसिटेट इफ इट इज आयोनाइज्ड. आयोनाइज्ड होता है मतलब CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड, ये तो पता है ना, CH3COOH इज एसिटिक एसिड. यस सर, करेक्ट. सो नाउ CH3COONA ये क्या है बताओ? सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट इज राइट आंसर, वेल डन. सोडियम एसिटेट, समझा? CH3COOH इज एसिटिक एसिड, CH3COONA is sodium acetate. Therefore, CH3COO क्या है? Acetate. Acetate is right answer. Well done. So similarly, phosphoglyceric acid को मैं phosphoglycerate भी बोल सकता हूँ. In short, एक काम करो, पहले इसके नीचे लिख लो आप. इसके नीचे लिख लो पहले 1,3-diphosphoglyceric acid जहां आपने लिखा है उसके ही नीचे लिखो 1,3-diphosphoglycerate. एक एसिड के बदले ग्लिसरेट, एट डालना है, एक एसिड के बदले एट. 1,3-diphosphoglyceric acid also known as 1,3-diphosphoglycerate. लास्ट में ना, लास्ट में जो इक एसिड है ना, ये देखिए वाला इक एसिड वाला पार्ट या रिक एसिड वाला पार्ट बन जाएगा रेट. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये मैंने कैसे लाया. ठीक, देखो इसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार आपको ये चीजें समझ में आने लगी ना तो आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा नाम समझने, वरना थोड़ा रट्टे मारने वाला काम होने लगेगा. ठीक है, जो साक्षी ने जो आंसर्स दिए ना, वो आंसर्स मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ कि हाउ शी केम टिल दैट वर्ड, वर्ड तक कैसे पहुंची. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम डिलीटिंग दिस नाउ.
ओके मैं अभी ये डिलीट करूंगा. ऑलराइट, सो ऐसा कुछ मुझे आपको पूछना था जिसका आंसर खाली एक ही लड़की ने दिया. दिस वॉज इट. सो इसका नाम आप सबको आता, ये हम सबको आता था, है ना, इसको अपन एसिडिक एसिड बोलते हैं, करेक्ट है ना, ये तो सबको आता है एसिटिक एसिड, करेक्ट. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, ये देखो CH3COONA, तो इसका आंसर उसने दिया, साक्षी ने क्या बोला, दिस इज सोडियम एसिटेट, शी सेड सोडियम एसिटेट. ठीक है, इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो मैं अब आपको बता रहा हूं, दिस इज सोडियम एसिटेट. Many students, many teachers also, they show these plus and minus sign, which is very important because it is a salt. ये salt है, salt. अगर आप ना दिखाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन to be very specific, you can show these signs also, plus and minus, charges also. Like NS, जब आप NaCl लिखते हो तो charge दिखाते हो क्या? NaCl में Na plus, Cl minus, ये दिखाते हो. So नहीं दिखाए तो भी चलेगा, but you have to understand कि this is a, it is a charged species. नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने क्या पूछा जिसका अगेन उसने आंसर दिया. नेक्स्ट मैंने पूछा कि नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस, इसका नाम क्या होगा. अब आपको इसका नाम आएगा, आप सबको आएगा इसका नाम. तो मैंने सोडियम निकाल दिया, परफेक्ट. सो दिस इज एसिटेट, क्लियर. सो यहां से मैंने शुरू किया, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, एसिटेट. अब देखो ये निकालने की वजह से क्या हो गया, यहां दिख रहा है, मैंने खाली H निकाला. Now I guess you people will understand. So if H is removed from an acid, it is called ATE. Eight उसका नाम हो जाता है. So pyruvic acid will become pyruvate. Acetic acid बन जाता है acetate. Just by losing that H, OH वाला H, COOH वाला H निकलते ही उसको आप, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है कि you ate away that H. आप वो H खा गए, you ate that H. So you say acetic acid नहीं, आप बोलोगे acetate. I ate that H. Acetate, pyruvate, glycerate. समझ रहा है? ये आपको काम आएगा कब? अभी आपको ईस्टर के नेमिंग में काम आएगा. ईस्टर के आयु पैक में ऐसा आएगा. ठीक है, ईस्टर का जब आप आयु पैक नेमिंग करोगे तो आप ए टी ई वहां पे देखोगे, तब आपको याद आएगा इस कंसेप्ट का. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड टू नेम देम अकॉर्डिंगली. ठीक है, एक बार में कैसा है, एक ही लेक्चर में इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता ना, तो अपने लगता है कि यार. इफ यू सी, तो अपन ने आज कितना बज गया, अभी 2:45 है ना, लेक्चर कब स्टार्ट हुआ था, 1 PM. सो 1 से 2:45 ऑलरेडी 2 hours ऑलमोस्ट किया, 2 घंटे ऑलमोस्ट. और हमने कितना स्टेप किया पता है, हमने किया 2 स्टेप, 2 घंटे में 2 स्टेप किया. उस दिन हमने ऑफलाइन लेक्चर में 2 घंटे में पूरा गाइगोलिसिस खत्म कर दिया. एंड वही तो फर्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन में. हाँ, एंड सब चिल्ला चिल्ला के आंसर देते, हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे. उस दिन कंप्लेन भी आया बाद में, सब बच्चे चले गए तो नीचे से कंप्लेन भी आया कि इतना क्यों चिल्ला रहे. देन वो लोग खुश भी हो गया, हाँ बच्चे पहली बार क्लास में आए थे ना इसलिए चिल्ला रहे थे. नहीं, ऐसे कंप्लेन वम्प्लेन नहीं आया. सो दिस सी कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड कि आई सी मेनी स्टूडेंट्स जिनका कैसा रहता है मेंटालिटी कि उसमें कुछ गलत बात नहीं, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जिसमें वेदर ये मेरे काम का है नहीं, ये इतने काम का नहीं, तो मुझे नहीं पढ़ना. That is also perfectly okay, no problem. And I've seen students, ऐसे students को मैंने देखा है कि वो धनाधन marks मार के जाते हैं, बहुत अच्छे से marks लेते हैं. And then you have the other category. Other category कैसा है कि उसको कैसा है कि मुझे जो आप सिखा रहे हो पहले I'll give it a try first. If I don't understand it, then I'll leave it. या मैं एक बार और पूछूंगा. अगर आपने फिर भी मुझे समझा दिया तो good. Otherwise, then I'll again ask myself, ये मेरे काम का है नहीं, मेरे काम का नहीं. So why to get confused? जाने. और दूसरी कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी कौन थी, इसने ट्राई तो दिया एक बार,
थर्ड कैटेगरी की मुझे समझना ही है ये वाला। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे आगे ये काम आने वाला है, से केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी एक जगह, तो मुझे ये समझना है, मुझे पहले ही समझ के मैं बैठूंगा इसको। दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस, श्योरली यू गोइंग टू कम अक्रॉस दिस इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो विथ विनीता मैम एज वेल एज विथ आकाश सर, ये आपको ईस्टर के नेमिंग में जरूर काम है। तो वहां पर अगर आपको ये ट्रिक याद रहा, एच को निकाला तो क्या, तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ हिंट ओवर हियर, सो एवरी आज केमिस्ट्री में जा रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री जा रहा हूं मैं, दिस इज टोटली ऑफ बायो। सर आज सुबह केमिस्ट्री कराया था मुझसे, हां आज केमिस्ट्री कराया था इसलिए। ओके, सो आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। ओके, आयुपैक इज इथेनोइक एसिड, ये देखो इस पे ध्यान देना। अभी अभी अपन ने क्या किया, बीच में बॉन्ड बनाना भूल गए। क्या हो गया सर, बीच में बॉन्ड, दो OH के बीच में बॉन्ड नहीं, वो लाइन चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, दिस इज परफेक्ट फाइन। अलग अलग तरीके बनाने की, ये भी चले, कोई भी इशू नहीं है इससे। नाउ अगर अपन इसको एस्टरिफिकेशन करते हैं, ईस्टर कैसे बनता है, ये देखो ईस्टर बन गया CH3COO एंड नाउ आई हैव C2H5। सपोज मैंने C2H5 यहाँ पे ऐड कर दिया, दिस इज ईस्टर, अब ईस्टर का नेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज वेयर इट गेट्स अप्लाइड, ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक एसिड एट पेट क्या है, यहाँ पे अप्लाई होगा ये बहुत मस्त तरीके से। ठीक, सो इसका नाम क्या है, दिस इज आयुपैक नेम ऑफ नेमिंग ऑफ ईस्टर। ओके, नेमिंग कर रहा हूं मैं ईस्टर का, समझा ये एट, समझा। अभी आपने किया एसिटिक एसिड को, हमने किया एसिटेट, सो इथेनोइक एसिड बन जाएगा इथेनो ए becomes ethyl ethanoate. So I have a doubt. Yes. So that every acid will have CH3COO to CH3 become a... No. COO. Just focus on COO. So if it is COOH, the name ends with ic acid. If it has COOH, here ic, the name ends with ic acid. If it has only COO, H is missing, then the name will end with 8. Okay, sir. ये बहुत ऐसे minor adjustment है, but ये अगर आपको याद रहा तो आपको बहुत सारे problems solve हो जाएंगे। मतलब you hear the word की 8, okay, 8 से समझ गया, 8 मतलब क्या आने वाला है, H तो दिखना नहीं चाहिए, COO के बाद कुछ तो और रहेगा, but H नहीं रहेगा। Can be sodium, can be potassium, can be ethyl, methyl, propyl, phenyl, benzyl, heptyl, hexyl, isopropyl, butyl, कुछ भी रहे। Sir, why is PGA called glycerate as well as glyceric acid? It doesn't have hydrogen, so it should be called glycerate only, no? Yes. Kanak, well done. Now, if I go into glyceric acid, ठीक है? अभी कनक ने जो question पूछा उसपे आते। Beautiful question. When I call it as glyceric acid, see, in body, these acids are in ionized form, Kanak. If you are talking about our body, the acids are in ionized form. Samjha? To jo COOH hai, so if Kanak writes 1,3-diphosphoglyceric acid, she is right technically. Understood? But textbook mein ye nahi diya, textbook mein aisa diya. Because they understand ki body mein jaane ke baad ye ionized ho jaye. To H gayab ho gaya. तो टेक्सटबुक में बोलते हैं 1,3-diphosphoglycerate, क्लियर? सो यहां बिकॉज मैंने खा लिया H को मैंने खा लिया, सो मैं लिखता हूं यहां पे 8 लास्ट, एंड यहां पे बिकॉज मुझे H दिख रहा है तो मैं लिखता हूं उसको एक एसिड। व्हिच वन इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, कनेक्ट, ठीक है, ओके, चलो लेट अस गो फर्दर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। So we have come up till 1,3-diphosphoglyceric acid. Yahan tak sabko clear hai? Tell me quickly, is this clear up till now? Yes, sir. Sir.
Shabash. You cannot afford to say no because I have invested 2 hours. Okay. आगे चलते हैं. ज्योतिका ने भी रिप्लाई किया. वेरी गुड. ओके सो 13 IPGA. नाउ इसके आगे हमने क्लास में भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. अब इसके आगे का किस्सा बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान. सो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ नाम एंड यू विल एंजॉय दिस. 13 डाई PGA से मिलता है, 13 डाई PGA से मुझे मिलता है 3 PGA से मुझे मिलता है 2 PGA से मुझे मिलता है पेपा एंड देन मुझे मिलता है पा. ठीक है, पेपा पा. सो ये आपको आपको फास्ट बोलना है. कैसे बोलना है, देखो अब बाकी अब बाय द वे एवरीथिंग इज ट्वाइस. Everything is twice. So let us write that concept also. वरना फिर बाद में confusion हो जाएगा. ये two कहाँ से आया? ये 3, 2 ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं आपको explain करूँगा. But first let us learn the sequence first. ठीक है? तो कांदेरी वाले को पता है आपने offline किया था. मैं एक बार बोल के दिखा देता हूँ. तो फिर सब एक साथ बोलेंगे इसको. ठीक है? So it is 13 IPGA, 13 IPGA, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. ठीक है, ऐसे बोलना है. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. ओके, लेट अस स्टार्ट. एक बार आप ऑडियो म्यूट करके एक बार ट्राई करो. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. स्टार्ट 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 जल्दी 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 जिगर. एक बार ट्राई मार, फिर ऑडियो पे बोलना है तुझे. और अगर तुम मिस कर दिया तो कैडबरी खिलाएगा. मैं कल आ रहा हूँ. ठीक है, चल स्टार्ट करें. सर नहीं, रुको रुको. ओके, विल स्टार्ट विद पूजा. पूजा स्टार्ट कर. यस सर. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA एंड PEPA. नहीं, 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा, ऐसा बोलना. इतना फास्ट? अच्छा, 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, PEPA. इससे भी फास्ट सर. ये देखिए देखिए देखिए, इसको बोलना है पेपा. ये पेपा तो पता ही नहीं, पेपा कार्टून. पेपा, हाँ पेपा पे मेरी छोटी बहन देखती रहती है. बोला तुम पेपा एंड ये है पा, समझा? सो 13 IPGA, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. 13 IPGA, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. अंडरस्टूड? सर एक बार और ट्राई करूं? हाँ ट्राई कर, ट्राई कर. डन? ट्राई कर, ट्राई कर. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा. पेपा मतलब तो यही पे रुक गई पूजा. पेपा मतलब तो यही रुक गई, यही पेपा बस. दिस इज पा. नेक्स्ट तुझे वापस से पा बोलना है ना, समझा? तो यही पे अटक जा रही है. यस पेपा पा. हाँ चल चल, नेक्स्ट कौन ट्राई कर रहा है? यस सर. प्रिया, प्रिया ये सब एंजॉय कर लिया. प्रिया इज एंजॉयिंग दिस. हां प्रिया चल. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. वाह क्या बात है, वेरी गुड. देवांशी? 13 डाई पीजीए, PGA, PGA, पेपा पा. ए तूने नाम बोला, नंबर नहीं बोला तूने. 2 PGA. किसको बुला रही है तू? किसको बुला रही? PGA, 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 PGA. 13 डाई पीजीए, PGA, PGA, पेपा पा. नंबर भी बोलना देवांशी. तो प्रिया का मत था, उसको वापस बोलने बोलो. प्रिया, प्रिया वापस बोल. हां सर एक मिनट. 13 IPGA, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. वेरी गुड, शाबाश. मुस्कान बोल. 1, 3 PGA, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. ओके, 13 डाई पीजीए आएगा. डाई पीजीए नाउ जिगर इज रेडी. हम सब म्यूट कर लो, आवाज म्यूट कर लो. हां जिगर. 13 डाई पीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेपा पा. वाह मेरे ऐसे बांसुरी बजा रहे, ऐसे लग रहा है पेपा पा पेपा पा पेपा पा पेपा पा. तो ये शादियों में वो बजता ना जोर जोर से.
सर एक्चुअली दे 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 प्ले ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट टू स्टेप्स पे पा पा पे पा पा पे पा पा पे पा पा ओके प्रशिष्टि 1,3-dipga 3-pga 2-pga पे पा पा वेरी गुड आदि 1,3-dipga 3-pga 2-pga पे पा पा वाह वो ये बहुत फास्ट बोला ओके चलो नाउ लेट्स राइट डाउन द स्टेप्स ठीक है प्रॉब्लम से स्टेप्स लिखूंगा मैं स्टेप नेम एंड देन एक्सप्लेनेशन करेंगे Also, if you can, you have to judge ki step mein kya ho raha hai. That you have to judge. Okay, students? Okay, so aap mere saath saath copy karo ye fatafat se. We are writing step number 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 ek saath abhi likhne wale hain. Okay? Together, 7, 8, 9, 10. Okay, so first I'll write step name. Har ek ka. So step number 7 is dephosphorylation. Dephosphorylation. Step number 8 is mutation. Step number 9 is dehydration. Step number 10 is again dephosphorylation. Okay, dephosphorylation. लेकिन पेपा और पाक क्या है हाँ मैं आता हूँ एक बार वापस मैं अभी फुल फॉर्म मैंने बताया नहीं है मैं बताता हूँ फुल फॉर्म पहले ये नोट डाउन कर लूँ ताकि आज का लेक्चर वेस्ट ना चलाया जाए ना पहले मैं स्टेप सारे लिख देता हूँ ताकि पाथवे में खत्म करूँ तो होमवर्क दे पाऊँ अच्छे से तुमको वरना स्टेप ही नहीं तो होमवर्क क्या दूंगा पहले स्टेप कंप्लीट कर ले फिर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा सो डीफॉस्फोराइजेशन म्यूटेशन डिहाइड्रेशन डीफॉस्फोराइजेशन वंस अगेन ओके बाय द वे एंटायर ग्लाइकोलाइसिस आपको एक पेज पे लिखना होगा लॉन्ग बुक पे एक पेज पे आपको एडजस्ट करना होता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो दो पेजेस में लिख दिया हाँ नहीं 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 अरे स्टार्टिंग में कोई बात नहीं है दो पेज पे लेके या छह पेज पे लिख कोई भी इशू नहीं है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट देन यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग इन सिंगल पेज सो दैट यू रिमेम्बर फिर तुझे याद जाए कि यहाँ पे क्या लिखती थी यहाँ पे क्या लिखती थी पूरा लर्न हो जाए ठीक है लेकिन एक पेज में नहीं आएगा इतना बड़ा आएगा आएगा प्रियंका ट्राई दिस ये एक पेज में छोटा छोटा लिखना हाँ लास्ट 8-10 इयर्स से एक पेज में डलवा रहा हूँ मैं हर स्टूडेंट से आता है वो टेंशन नहीं लेने का स्टार्टिंग में ऐसे लगता है एक पेज में कहाँ से आएगा कुछ भी क्या बोल रहे हो बट एक बार ट्राई कर आ जाए एक बार ट्राई कर ठीक है डीफॉस्फोराइलेशन में व्हाट डू आई डू स्टूडेंट्स आपको ये सारे स्टेप्स खुद से समझ जाएंगे दैट इज माई प्रॉमिस सारे स्टेप्स फुल फॉर्म में आपको बता दूंगा पर आपको स्टेप्स अपने आप समझ जाएगा सो कॉपी करते रहो मेरे साथ साथ I don't have to teach you significance and importance of copying. ADP से ATP and this has to be twice. Correct? ATP is ATP. An enzyme name will be PGA kinase. PGA kinase. Next, enzyme name is PGA mutase. PGA kinase. Next. Twice of H2O gets removed. Enzyme name is enolase. Next, ATP, ADP, twice. Over here I'll have pyruvate. Enzyme name will be, surname will be kinase. Pyruvate kinase. चल कॉपी डाउन कर लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या
जीगर तू कहाँ देख के कॉपी कर रहा है? सर मैं कुछ और सोच रहा था। अरे कुछ और मत सोच, पहले ये सोच और लिख। सर आप इससे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में बोल सकते हो? हाँ यस यस यस। 3-PGAL is converted to 1,3-DiPGA. Remember, while writing the explanation, you don't have to write twice. वो नहीं बोलना। आप वाली एक-एक मॉलिक्यूल के हिसाब से नाम लेते जाना, ठीक है? So 3-PGAL is converted into 1,3-DiPGA by oxidative phosphorylation in presence of NAD+ and H3PO4. With the help of enzyme 3-PGAL dehydrogenase. समझा? रिपीट करूं मैं? सिर्फ एंजाइम का नाम रिपीट करो। एंजाइम नेम इज 3-PGAL dehydrogenase, या फिर सिर्फ PGAL भी लिखा तो भी चलेगा। PGAL dehydrogenase। सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। हाँ पूरा रिपीट करता हूँ फिर से। 3-PGAL is converted to 1,3-DiPGA by oxidative phosphorylation in presence of NAD+, H3PO4 and PGAL dehydrogenase. Sir, इसमें molecule 2 use नहीं करना? नहीं नहीं, जरूरत उसकी जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने, सबने लिख लिया ये। चलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप सेवन पे आते हैं। ठीक है, स्टेप सेवन पे आते हैं। सो स्टेप सेवन तो आपको समझ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। स्टेप सेवन में हमने फास्फोरस को निकाल दिया था। इस स्टेप में देयर इज लॉस ऑफ फास्फोरस। व्हाई? ओवर इन द रिएक्टेंट यू कैन सी 1 and 3, 1 and 3 दोनों पोजीशंस पे फास्फोरस थे, बट प्रोडक्ट में खाली 3 पे बचा, तो 1 वाला जो फास्फोरस है वो गायब हो गया। करेक्ट है, है ना? एक मॉलिक्यूल से एक फास्फोरस जाता है, दो मॉलिक्यूल से दो फास्फोरस जाएगा। समझा रेबेका? ठीक है, इसलिए ट्वाइस बन रहा है। ओके, सो अभी फॉस्फेट जब हमको चाहिए था तो हमने किसको बुलाया? एटीपी को बुलाया। जब फॉस्फेट देना है तो हम किसको बुलाएंगे? ADP को बुलाएंगे। Understood? So ADP will come, it will be converted into ATP. समझा? Adenosine diphosphate will come, we will give it 1P, so वो बन जाएगा ATP. Clear है? Simple सी, मैंने आपको last time class में भी example दिया था, and मैं सब जगह यही example देता हूँ students को कि when you want money, you go to your dad. Correct? आप अपने dad को मांगते हो ना, पैसे दे दो मुझे, मोबाइल लेना है, शॉपिंग करनी है, या जो भी है, हेडफोन नहीं लेना है बिकॉज हेडफोन लिया तो आवाज सुनाई देगा ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो ये सब चीजें अपन पैसे मांगते हो, डैडी से मांगते ना, तो जब कमाने लगोगे तो किसको दोगे? पापा को। गुड बॉय, पापा। सब कमाएंगे तो उनका ही हक बनता ना, उनको ही मिलना चाहिए पैसा। कमाएंगे तो आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, उनको देना ही पड़ेगा। So, हमको वापस से एटीपी हमने यूज किया था ना, एटीपी हमने यूज करके उसको उससे फॉस्फेट ले लिया था। सो जब अपने पास फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, जब हम फॉस्फेट बाहर रिलीज कर रहे हैं, सो वी शुड फॉर्म एटीपी नाउ इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग एटीपी। अंडरस्टूड? सो अपन पहले एटीपी ब्रेक करते थे, एटीपी को ब्रेक किया इंटू एडीपी, इफ यू रिमेम्बर, है ना? एटीपी को हमने ऐसा कुछ किया था, ये देखो स्टूडेंट्स, पहले अपन ऐसे करते थे कि एटीपी आएगा, बन के चला जाएगा एडीपी, तो हमने उससे फॉस्फेट ले लिया था, एक फॉस्फेट उसने अपने को दे दिया था, ये अपन पहले करते थे। अब हमारे पास फॉस्फेट आ रहा है तो अपन उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? हम फॉस्फेट एक देंगे एडीपी को, सो दैट वो वापस से बन जाए एटीपी। कुछ समझ में आया? सो इन दिस स्टेप फॉस्फेट इज बीइंग रिलीज्ड, डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब हमको फॉस्फेट मिलने वाला है, डीफॉस्फोराइलेशन मतलब हमारे अंदर से फॉस्फेट जाने वाला है। सो वो फॉस्फेट किसने एक्सेप्ट किया? एडीपी ने।
एडीपी एडनोसिन डाइफॉस्फेट को अगर एक और फॉस्फेट मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. वेरी वेरी सिंपल स्टेप. इज दिस क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ. नेक्स्ट स्टेप इज, ध्यान से देखो, 3 PGA मीन्स व्हाट? थर्ड पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप है. एंड इफ आई से 2 PGA मतलब क्या? सेकेंड पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप है. तो क्या चेंज हुआ? I've just changed the location of phosphate group. और कुछ भी चेंज नहीं किया है. जो थर्ड बेंच पे बैठता था या जो लास्ट बेंच पे बैठते थे बच्चे लोग, टीचर क्लास में आते ही उनको पहले बुला लिया फर्स्ट बेंच पे, चलो उठ के फर्स्ट बेंच पे आ जाओ. सो दैट इज चेंज ऑफ प्लेस. सो वैसे यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस हुआ है. अभी जी का लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, जब लेक्चर चालू हो तो उसको फर्स्ट बेंच पे बुला लेंगे. दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन, सो वी डिड म्यूटेशन ओवर 3 PGA converted to 2 PGA. Only thing is we have changed the position of phosphorus. That's it. That is mutation. Clear? No reagent required. Enzyme is mutase. Because step name is mutation. So enzyme is mutase. Reactant or product ke time do molecules. Haan. Nahin, wahi bol raha hoon main. Ayush, tujhe aise explanation mein nahi bolna hai. कि 2 molecules of 3 PGA is converting to 2 molecules of 2 PGA. ऐसा आंसर नहीं बोलना है, बिकॉज रिएक्शन तो एक्सप्लेन कर रहा है ना. रिएक्शन 10 बार हो या 15 बार हो, अगर तुझे, अगर तू ये बोलना चाहता है कि 2 molecules of 3 PGA, तो बेटर है तू बोल कि lakhs of molecules of 3 PGA are converting into lakhs of molecules of 2 PGA. because ये अपन बातें कर रहे हैं एक सेल के अंदर एक ग्लाइकोलिसिस का. तेरे बॉडी में कितने सेल्स और कितना ग्लाइकोलिसिस हो रहा है सोच. अगर अपन बैलेंसिंग करना ही चाहते हैं तो बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा, इसलिए हम खाली रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्शन में क्या हो. क्लियर? नेक्स्ट, 9th step चेक करो स्टूडेंट्स. 9th step, इसके पहले मुझे ये बताओ कि step 4 में एंजाइम का नेम क्या था? step 4 क्लीवेज एंजाइम, एल्डोलेज. एल्डोलेज, वेरी गुड. एल्डोलेज था, करेक्ट. करेक्ट. तो वो अपने, अगर फर्स्ट फाइव, अगर अपन ग्लाइकोलिसिस को 2 phases में डिवाइड कर दें, first 5 steps एंड last 5 steps. ध्यान से सुनो, first 5 steps एंड last 5 steps 2 teams में डिवाइड कर दो ग्लाइकोलिसिस. तो पहले टीम का जो सेकेंड लास्ट स्टेप था उस पे एंजाइम का नेम था एल्डोलेज, है ना? राइट, है ना? सेकेंड लास्ट स्टेप, पहले फर्स्ट हाफ का सेकेंड लास्ट स्टेप कौन सा हुआ? step 4 हुआ. सेकेंड हाफ का सेकेंड लास्ट स्टेप कौन सा हुआ? ये वाला, इनोलेज वाला स्टेप. करेक्ट है, step 9. करेक्ट. सो वहां पे है एल्डोलेज, यहां पे आएगा इनोलेज. क्लियर? एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डू आई से इनोलेज. फुल फॉर्म ऑफ पेपा, यू कैन राइट डाउन दिस इन योर बुक. राइट डाउन पेपा का फुल फॉर्म लिख लो. जिगर लिख ले, लिख ले, वो बोर्ड बाद में देख. हाँ सर, आप बोलो तो सही. ऐसे वो किशोर कुमार कोई गाना चालू है और तू ऐसा ऊपर देख रहा है, वो मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना घर. अरे नहीं सर, जब मैं एक्सप्लेन कर रही, जब पॉज भी ले रहा हूँ तो ऐसे देख रहा है. ऐसे मैं आपका सुन रहा हूँ. ओके, दिस इज वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वेरी डोंट इवन रियलाइज की you are attending online session and you are looking somewhere else where the screen is in front of you. You are looking sir bar continuously screen dekhne se sir dukhta hai na. Oh yes. Ye to mujhe pata hi nahi, main aapse bina screen dekhe hi lecture lunga. Chalo, PEPA ka full form bata raha hu, theek hai? Phospho, P is for phospho, PHOS PHO, phospho. E के लिए होगा इनॉल, ENOL, इनॉल. फॉस्फो इनॉल पाइरुविक एसिड, P फॉर पाइरुविक, A फॉर एसिड, फॉस्फो इनॉल पाइरुविक एसिड. क्लियर? देयरफॉर PA का फुल फॉर्म बोलो लास्ट जो बना, पाइरुविक एसिड. पाइरुविक एसिड, ऑल्सो नोन एज पाइरुवे. Can I say that? Also known as pyruvate. अभी अभी आपको सिखाया ना, pyruvic acid को अपन pyruvate भी बोल सकते हैं. Phosphoenol pyruvic acid को phosphoenol pyruvate भी बोल सकते हैं. एक acid को 8 में convert कर दिया बस. ठीक है, so phosphoenol pyruvic acid बोलू
या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट चलेगा? लास्ट वाले को पाइरुविक एसिड बोलू या पाइरुवेट चलेगा? ठीक है सर, इज इट वन वर्ड? It is one word, yes. Okay, sir. Thank you. Pyruvate, pyruvate is one word. Phosphoenol pyruvic acid. ये पूरा एक ही नाम. Space you can give in between, no problem at all. There's no rule. Okay, sir. Okay. Now, so therefore, if you see phosphoenol pyruvic acid, तो वहाँ से आ रहा है enzyme name enolase. समझा? वहाँ से आ रहा है. तो last दो step exceptional है glycolysis के लिए. हमको अपने लिए एक code है last दो steps. कि लास्ट टू स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंजाइम नेम कहां से आता है? प्रोडक्ट के नाम से आ रहा है. देखो लास्ट दो स्टेप में इनोलेज एंड लास्ट स्टेप में चेक करो पाइरुवेट काइनेज, है ना. सो लास्ट दो स्टेप्स में एंजाइम का नेम प्रोडक्ट से आ रहा है. अब तक हम एंजाइम का नेम रिएक्टेंट से देते थे. सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आ गया. अब तक एंजाइम का नेम आप रिएक्टेंट से देते थे, लाइक ओवर हियर. ये देखो यहाँ चेक करो पीजीए म्यूटेज, तो पीजीए कहाँ है? ये रहा रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट से अपना एंजाइम का नेम आता था, बट लास्ट दो स्टेप में आपके एंजाइम के नेम प्रोडक्ट से आएंगे. सो इनोल इनोलेज, यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज. ओके, एंड क्या हो रहा है सेकेंड लास्ट स्टेप में? डिहाइड्रेशन, वॉटर का रिमूवल. लास्ट स्टेप में फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, तो हमने फॉस्फो को निकाल दिया बाहर, खाली पाइरुविक एसिड बचा. फॉस्फो को हमने बाहर फेंक दिया, मतलब क्या किया हमने? डी फॉस्फोराइलेशन, रिमूवल ऑफ फॉस्फरस. क्लियर? तो वापस से जब फॉस्फेट निकालोगे तो फॉस्फेट लेने के लिए कौन आएगा? एडीपी आ जाएगा, जो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? Is that understood, students? Clear? Yes, sir. Okay. Manasvi, any doubt? Manasvi? No, sir. Okay, good. Pucho, pucho. Koi doubt to pucho. Sakshi, pucho. Sir, I have a doubt. सर आपने बोला PGA का मतलब फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, तो अगर हम लोग उसका एंजाइम नेम लिखेंगे तो फिर वो हाफ हो जाएगा ना, मतलब फॉस्फो ग्लिसरिक का हाफ हो जाएगा ना वो. फॉस्फो ग्लिसरो, देख देख देख, हाँ समझा समझा, मैं समझ गया तू क्या बोल रही. ठीक है, सो इधर यू राइट फॉस्फो ग्लिसरो काइनेस, ये देख फॉस्फो ग्लिसरो काइनेस, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा तुझे फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेस. समझ रहा है? फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेस, or else you can also write phosphoglycerate mutase, wo bhi chale koi problem nahi, but this is given in textbook PG. clear? Okay sir, thank you. Okay, any other doubt? Sir last step mein enol ka gaya, last step ha, to uska removal hota hai. Actually enol ka removal nahi hai, phosphate ka removal hai. And again mujhe structure ke through explain karna nahi, aapko structures hai nahi, warna tujhe samajh mein aata. और इनॉल क्या है ये तुझे पता चलेगा केमिस्ट्री में, 12th स्टैंडर्ड. व्हाट इज इनॉल? इनॉल मतलब अल्कीन प्लस अल्कोहल, सो यू गेट इनॉल. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम 2PGA? 2PGA, ओके. सो फ्रॉम 2PGA आई रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, फ्रॉम 2PGA आई विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट गिव्स मी पेपा, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. Now, from phosphoenol pyruvic acid, there is rearrangement first of all, which you people will not understand now because aapko structures nahi hai. You will have to wait for graduation. Graduation aapko iske structures aayenge. Aap koi bhi graduation karo 12th ke baad. Do pharmacy, do BSc, do medicine, do physiotherapy, occupational therapy, kuch bhi karoge, biochemistry aane hi wala hai. Except if you go into science. Engineering. सो आप बायो लिया है मतलब आपका वही बैकग्राउंड होगा, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी, बीफार्म और द बेस्ट वन व्हिच यू आर टारगेटिंग व्हिच इज मेडिसिन. ठीक है, सो मेडिसिन में भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है जहां पे इसके स्ट्रक्चर्स आएंगे. सो स्ट्रक्चर्स आएगा तो आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली हो कर रहा है काम. अभी आपको स्ट्रक्चर बताना वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने दो तीन बार ट्राई किया आपको बताया भी, बट मुझे से लग रहा है कि वो यूजलेस, जबरदस्ती आप कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं होगा. सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है फंक्शन का. नाउ फॉस्फो इनॉल पाइरुविक एसिड से रिमूव फॉस्फो,
फॉस्फो निकले और कुछ भी नहीं निकलता, बाकी रिएजेंट बन जाता है। फॉस्फो निकलते ही मैं स्टेप का नाम बोलूंगा डीफॉस्फोराइलेशन एंड बन जाएगा पाइरूविक एसिड। एंड दैट रिमूव्ड फॉस्फो गोज टू एडीपी टू गिव यू एटीपी, बट बिकॉज एवरीथिंग इज ट्वाइस देयरफॉर आई गेट ट्वाइस ऑफ एटीपी। क्लियर? सो ओवरऑल अगर अपन पूरा ग्लाइकोलिसिस, अब आप देखो पूरा ग्लाइकोलिसिस, तो स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन इन योर बुक, first five steps of glycolysis are known as preparatory phase. If you want you can first take a screenshot pehle le lo, then aage badhte hain. To main screen pe likhna shuru karta hu fir, theek hai? Chalo, I'll write on the screen. Bushra, samajh mein aa raha hai na sir? Yes sir. Okay, good, theek hai? दृष्टि, सोनल, ज्योतिका, दृष्टिका, अद्विता, विशाखा, सबको समझ रहा है ना? एनी कंफ्यूजन एनी वेयर? अच्छे से कंफ्यूज हो रहा है? ओके, गुड। ओके, सो फर्स्ट फाइव स्टेप्स, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है? जो अपने जो ऐसे स्टेप्स लिखे हो, जब आप ग्लाइकोलिसिस पूरा एक पेज पे लिख लोगे ना, पूरा एक पेज पे, तो आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स आए ना, ऐसे पूरे पेज पे स्टेप्स रहेंगे। तो आप क्या करना, फर्स्ट फाइव स्टेप्स को ऐसे मार्क करने का और लिखने का, दीज आर नोन एज प्रिपरेटरी फेज। फर्स्ट फाइव स्टेप्स आर प्रिपरेटरी फेज। क्लियर? प्रिपरेटरी फेज। एंड देन लास्ट फाइव स्टेप्स आर पे ऑफ फेज। I'll teach you why. So first five steps are preparatory phase. Last five steps are payoff phase. Dhanashree, समझ में आ रहा है सब? Dhanashree. Yes, sir. Good. Yes, students. Chalo. Understood? So now why preparatory phase? Let us try to understand that. Preparatory phase naam kyun diya? Okay. So why preparatory phase? Because we are preparing the reaction right now. Apan prepare kar rahe hain. Jaise ki if you notice in your first five steps, pehle five steps pe notice karo. Abhi aap substrate khali bana rahe ho, tayar kar rahe ho usko breakdown karne ke liye. We are just preparing. We invested ATP. कितना ATP आपने invest किया first five steps में, check करो? Two. Total दो ATP आपने invest किया. कुछ भी मिला क्या आपको first five steps में? कुछ भी आपके हाथ लगा any ATP? No, absolutely no. So no ATP we have obtained in the first five steps. Sixth step से आपको आपकी काम की चीजें मिलना शुरू हो गई. NADH2 is very very useful by the way. काम की चीजें, ठीक है? ये मुझे मिलना शुरू हो गई सिक्स्थ स्टेप से। देयरफॉर सिक्स्थ से लेकर टेंथ स्टेप तक वी कॉल इट एज पे ऑफ फेज, वेयर आपको अब आपके मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। सो टोटल कितने फल मिले, कितने एटीपी मिले बताओ? हाउ मेनी एटीपीज यू गॉट? टू फोर ट्वाइस। सो टोटल काउंट किया तो फोर मिल गया ना? सो फोर एटीपी हमको मिला एंड दो एटीपी हमने उधार लिया था प्रिपरेटरी फेज के वक्त, करेक्ट है? दो एटीपी हमने यूज किया था प्रिपरेटरी फेज में और चार एटीपी हमने कमाया। सो व्हेन आई यूज द वर्ड इफेक्टिव इफेक्टिवली how many ATPs are produced in glycolysis? So your answer will be 2 ATPs are produced. Correct? Effectively kitne ATPs, matlab actual mein kitne ATP ban raha ho to 4 hai. But pura cut pit karke kitna bacha? Jaise agar aapko koi aapka senior ya aapke bhai behan ya bade bhai behan jab job pe lagte hain to wo aapko aise bolenge ki meri salary to hai say 50,000 बट कटपिट के मेरे हाथ में आ जाएगा 35-40, सो वो कटपिट के कहाँ गया? सो दैट एंटायर थिंग इज ग्रॉस। ये देखो ये जो 4 एटीपी है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस। सो दिस इज ग्रॉस इनकम।
Understood? So you see, I can teach a bit of commerce also to you. Gross. This is gross income. Overall, we get 4 ATPs from glycolysis, but effectively you will get 2 ATPs only because 2 ATPs were utilized. Now, अभी रेबेका का क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर में ये था कि वो एटीपी कहां से आया, हम एटीपी बनाने के लिए ही तो ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, आपने एटीपी यूज कैसे किया. सो ये जो एटीपी बनता है आगे, यही नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज होगा. सो नेक्स्ट जब ग्लाइकोलाइसिस शुरू होगा तो आई ऑलरेडी हैव एटीपीज विद मी. बट जब लाइफ में फर्स्ट टाइम एटीपी बना यूज हुआ तो वो कहां से आया था? तो इट इज लाइक पहले अंडा है कि पहले मुर्गे, वो वाला क्वेश्चन हो गया. तो उसको वी विल लीव. ठीक है सर. लेकिन अभी फिर नेक्स्ट प्रोसेस तो क्रेब्स साइकिल होता है ना, तो उसके लिए 4 एटीपी यूज करते हैं कि 2 एटीपी? फिर नहीं, मैं उसके लिए बताऊंगा, अभी वो पाथवे अपने पढ़ना बाकी है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो फिलहाल वी विल स्टॉप ओवर हियर वेयर वी हैव गॉन अप टिल पाइरूविक एसिड. दिस इज एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस. यू विल स्टिल नॉट गो इनटू द टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक में नहीं जाओगे. You don't have to go through textbooks. ठीक है, कोई भी textbook open नहीं करेगा. अगर आपने textbook open किया फिर मुझे आके अगर वो आपने बोला कि मेरे को ये confusion है, हमने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं कराया, मैंने तो ये नहीं किया, I am not going to answer your queries. Because अभी भी आप eligible नहीं हो textbook खोलने के लिए. मैं बताऊंगा आपको कब उस chapter में entry मारनी है. तब तक आपको मेरा एक ही काम करना है, glycolysis को learn कर लेना. ठीक है, so आज से टास्क चालू होगा. दिस इज माय फेवरेट टास्क, ये सबसे फेवरेट है. यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट बुक. ठीक है, अलग एक बुक ले लो जिसमें सिर्फ आप पाथवेज लिखो, ओनली पाथवेज लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं, नॉट इवन एक्सप्लेनेशन. आप एक्सप्लेन कुछ नहीं करोगे, खाली ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ही पूरा बुक भर देना है. आपको और भी पाथवे बताऊंगा मैं, क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट, फिर एटीसी होगा. हाँ, दृष्टिका इस स्लाइड इस तरह स्माइल कर रही है. And she can imagine herself writing glycolysis every day, 7 times. 7 times every day, starting from today. ठीक है? So, आज से every day 7 times लिखना है. And जब भी आप ब्रांच पे आओगे आपको बुक साथ में लेकर आना. ठीक है, डेट जरूर लिखना. सो आज का डेट डालो, 7 times लिखो, एक पेज पे एक बार. सो नाउ इट हैज टू कम इन अ सिंगल पेज, अदरवाइज तो आपको बहुत सारा बुक लेना पड़ेगा. वेरी गुड आदमी. हाँ, तो वैसा एक पेज पे लिख देना. तो बड़ी सी बुक ले लो, लॉन्ग बुक, स्टार्ट राइटिंग 7 times ग्लाइकोलिसिस पाथवे एवरी सिंगल डे अपार्ट फ्रॉम अदर होमवर्क्स. सो जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा, अगर सपोज 3 दिन बाद, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 21 pathways, 21 times ग्लाइकोलिसिस आपका लिख के हो जाए. सो ऑनलाइन आई विल चेक. आप कैमरा के सामने से भी आदि नहीं सिखाया, वैसे आप दिखा सकते हो कैमरा के सामने, बट मेक श्योर कि एवरी पेज पे आप डेट लिख रहे हो. एवरी सिंगल पेज पे डेट लिखना जरूरी है, otherwise I will not count it. ठीक है, जब भी आप ब्रांच पे आओगे तो I'll remind you about this book. आपको ये बुक लेकर आनी है. सो ब्रांच पे ऐसे बहुत जन है जो आपका बुक चेक कर लेंगे. जैसे पूजा ब्रांच पे आ रही है तो पूजा कल से बुक लेकर आएगी. जिगर भी ब्रांच पे आ रहा है, सो जिगर भी बुक लेकर आएगा, ब्रांच पे चेकिंग हो जाएगी. तो जो जो ब्रांच पे आ रहे हैं वो सब अपनी अपनी ये वाली बुक लेकर आना एवरी डे, और चेक करा लेने का. चेक करा लोगे तो वो जो ब्रांच पे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो चेक करके मुझे बता देंगे कि ये बच्चे ने होमवर्क किया. ठीक है, मेक श्योर यू डू दिस. एंड द नेक्स्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू इज यू हैव टू स्टार्ट मेमोराइजिंग ग्लाइकोलिसिस, और इसको बोलने का शुरू कर दो, रिकॉर्डिंग करना. यू हैव टू डू दिस इन लेस देन 1.5 minutes. ठीक है, 1.5 minutes के अंदर आपको इसको बोलना है. मेरे पास आई डोंट नो इफ रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, मैंने हाफ वाला तो नहीं है, बट उसके आसपास एक रिकॉर्डिंग होगा शायद मेरे पास. मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग हुई तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा. खाली सुनना एक बार उसने कैसे बोला है. आपको जब पाते हुए लर्न हो जाएगा फिर आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है, वरना आपको समझ में भी ना आएगा शायद. एक मिनट. So anyone can come at the branch? No. Before coming to branch, you will be informed when you have to come to the branch. Iske pehle mat aana. Okay, sir. Thank you. क्योंकि branch पे बुलाने, branch पे तुमको intimation मिलेगा. अंधेरी वालों को branch में आने के लिए जब बोला जाएगा तभी आना है.
अचानक आ मत जाना ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच में लिमिटेड लोग को ही बुलाया जा रहा है, जिनका स्पेशली 12वीं वालों को बुला रहे हैं क्योंकि अभी उनका नीट नजदीक है. यस आई हैव वन विथ मी वेयर ग्लाइकोलिसिस हो गया है 2 मिनट्स 4 सेकेंड्स में बोला इसमें. ठीक है, सो मैं आपको एक ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, देखो आपको समझ में आता है क्या. और क्रेब्स साइकिल भी है मेरे पास 3 मिनट्स 27 सेकेंड्स, सो आई विल सेंड दैट आल्सो. ओके, सो ऑल द बेस्ट. होमवर्क तो आपको समझ में आ गया, मिलते हैं अगली बार. ठीक है, बाय बाय. सर 7 टाइम्स ना ग्लाइकोलिसिस डेली 7 टाइम्स. ओके सर, थैंक यू सर. हाउ आर द पाथवेज क्वेश्चंस आस्क्ड? पाथवेज क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बोर्ड्स में? ओके, सो बोर्ड्स में ऐसे पूछते हैं जनरली, they'll ask you to convert 1,3-dipga to pyruvic acid. ऐसे पूछते हैं, पूरा पाथवे कभी नहीं पूछते. या फिर they will ask you to convert glucose into DHAP. So ऐसे 4-4, 5-5 steps पूछते हैं. अगर पूरा पूछ लिया तो तेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई भी नहीं, बिकॉज वहां पे 4 marks तो तेरे जेब में आ गए. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको वैसा बना दूंगा कि आप हार्डली 4 से 5 मिनट्स में पूरा पाथवे लिख दो, 4 से 5 मिनट में पूरा पाथवे. तो जो ये जो होमवर्क आप कर रहे हो ना, ये होमवर्क आप 1 हफ्ते तक करो, फिर आप ये टाइम मैच कर दोगे 4 से 5 मिनट. जहां पे स्टूडेंट्स विल स्ट्रगल टू रिमेम्बर दिस स्टेप नेम एंड एंजाइम नेम, वहां पे यू विल स्टार्ट, मतलब यू विल नो दिस. ऐसे आपको ऐसे मैं पूछा था 7 स्टेप, तो यू विल टेल मी द एंजाइम नेम एंड स्टेप नेम. 3rd step अब ऐसे तो रैंडमली ऑल्सो इफ आई गो यू विल बी एबल टू टेल मी एवरीथिंग. But remember, रट्टा मत मानना. You try to come to the step name. You try to derive the enzyme. That should be your strategy. Derive the enzyme name. So आपको आप तेजी से बोल पाओ. अगर आप रट्टा मार रहे हो तो आप अटक जाओगे, confirm. So every time you try to derive the enzyme name, कि यहाँ से enzyme name कैसे आएगा, step पे क्या है, हाँ मुझे याद आया. NADH2 बन रहा है, मतलब dehydrogenase रहेगा. ATP है, मतलब kinase रहेगा. ऐसे you try to derive the enzyme. Only then you will be able to sustain for 2 years, because NEET में ये questions आते हैं. NEET का अपन past year solving जब करेंगे इस chapter के end में, तो you will realize कि कितना simple question पूछ रहे हैं. So pathway अगर learn है तो there is very high chance अगर pathway पे आ गया question definitely marks आ गए, 4 marks आते हैं. Questions आते हैं कि मतलब name the enzyme which is used to convert glucose into glucose 6-phosphate. खत्म. तो आपके तो options है glucokinase, then PGA dehydrogenase, PGA mutase, pyruvate kinase. So answer is hexokinase or glucokinase. So, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं पाथवे पे. ठीक है, पहले जो पहला पैटर्न था बोर्ड्स का, अभी तो पैटर्न चेंज हुआ, तो पहले वाले पैटर्न में पूरा पाथवे पूछते थे. सो भी ग्लाइकोलिसिस का देयर इज वन मोर नेम, ईएमपी पाथवे, एम्बिडेन मेयरहॉफ पैरनस, साइंटिस्ट लोग के नाम पे जिसने ये डिस्कवर किया, एम्बिडेन मेयरहॉफ पैरनस, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, डोंट वरी. सो पहले ऐसे पूछा जाता था क्वेश्चन कि ईएमपी पाथवे एक्सप्लेन करो. तो जो बच्चा को ये नहीं पता कि ईएमपी क्या है, उसने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, इतने बार लिखा है, फिर भी लिख के नहीं आएगा, पेपर के बाहर आ जाएगा. एंड देन लोग बोलते थे अरे ग्लाइकोलिसिस आया था, बोला ये सा तो ग्लाइकोलिसिस आया ही नहीं. देन फ्रेंड्स ने बताया ग्लाइकोलिसिस तो आया था, ईएमपी पाथवे के नाम से था. देन यू रिग्रेट शिट, पूरा साल प्रैक्टिस किया ग्लाइकोलिसिस और यहाँ छोड़ के आ गया ग्लाइकोलिसिस. सो दैट वी विल रियलाइज वंस वी गो इनटू टेक्स्ट बुक. अभी नहीं जाना, अभी आप खाली जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बिंदास, विदाउट एनी टेंशन. ठीक है, चलो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय. थैंक यू सो मच सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय.